जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। तो लास्ट टाइम हम जो स्टेटिस्टिक्स का डिस्कशन कर रहे थे वो था एवरेज, और उस एवरेज में वैसे मैंने कल भी थोड़ी सी बात की कि हमारा पुराना जो दोस्त है जो कि हमारे काफी जगह पर हमारे काम आता है एवरेज के मामले में, और वो है मी। और मैंने ऐसे ही बात की जैसे बहुत जगह काम आता है पाकिस्तान का दोस्त चाइना, लेकिन अब पाकिस्तान भी जरा दूसरे मुल्कों के साथ थोड़े थोड़े तालाबात जो है वो बढ़ा रहा है, ताकि किसी ऐसी जगह पर जहां पर चाइना से हमें कोई इतना प्रॉपरली रिस्पॉन्स ना मिले तो हम मूव करके उधर चले जाए। ऐसे ही है ना। तो पहली दफा अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी दो सिचुएशन है जहां पर हमारा ये जो दोस्त मीन है हमें ये मिसलेड करेगा, सही तौर पर हमें जो है वो आंसर जो है वो या जो इसकी इंटरप्रिटेशन है उससे हम धोखा खा जाएंगे और हम समझेंगे कुछ और जबकि हकीकत कुछ और होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मीन ने जानबूझ के हमें रॉन्ग आंसर दिया, फिर मीन का जो फार्मूला वो तो हर जगह वही रहेगा। तो देखते हैं कि मीन के फार्मूले में क्या कैपेसिटी नहीं है, कटरा बैग बन जाएगा। कहता है व्हेन मीन इज मिसलीडिंग, मीन कब मिसलीडिंग हो जाता है, व्हेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू दैट आर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि डेटे की वो वैल्यू जो बिल्कुल दरमियान में हो, ऐसी वैल्यू आधी वैल्यू एक साइड पर हो जाए और आधी वैल्यू दूसरी साइड पर हो जाए। कहता जी फिर मीन मत कैलकुलेट कीजिएगा, मीन डेटे के दरमियान में नहीं होता। अभी देख लेते हैं क्यों नहीं होता। हो भी सकता है, मैं नहीं कहता हमेशा नहीं होता, पॉसिबिलिटी है कि मीन दरमियान में हो लेकिन रूटीन में मीन सेंटर में तो नहीं होता। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि ऐसी वैल्यू जो कि डेटे को दो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में कर दे तो फिर मीन पर मत बिलीव कीजिएगा, मीन ही आपको सेंटर वैल्यू बताएगा। सेकेंड, व्हेन द डेटा कंटेन्स आउटलायर, आउटलायर ये मैं ख्याल आपके फेलो ने भी उस दिन मुझसे पूछा कि आपने एक वर्ड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस लिखा हुआ है वो क्या होती है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जी आउटलायर क्या चीज है और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस वगैरह है अब वो क्या मुराद। व्हेन डेटा कंटेन्स आउटलायर, अगर डेटा में आउटलायर आ जाए, आउटलायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लार्ज और स्मॉल वैल्यूज दैट आर नॉट कंसिस्टेंट बाकी डेटा वैल्यू से, वो कंसिस्टेंट नहीं है, दस लाइक मैचिंग नहीं है, ऐसा कह लें। अगर मैं आपको कहूँ ना क्रो स्पैरो पैरेट लॉयन, तो लॉयन मैचिंग नहीं, बाकी बर्ड्स हैं ये बर्ड्स नहीं, मैचिंग नहीं ना, आउटलायर कह दें ऐसे, बाकी की तरह का नहीं है। इन दो सिचुएशन में हम मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब जरा पहली सिचुएशन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, फर्ज करें फाइंड द वैल्यू दैट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर, कोई एक वैल्यू बतानी है जो डेटा के सेंटर में हो, 50% डेटा उसके बिलो हो, 50% डेटा उससे अबव हो, एग्जैक्टली एट द सेंटर। एक कहता जी डेटा का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, डेटा का मीन कैलकुलेट किया 75, मीन में कोई मसला नहीं है, मीन का आंसर बिल्कुल उसने सही कैलकुलेट किया। अब आप नोट करें कि 75 यहाँ पर आएगा, और एक और चीज भी आपको समझ आई, जब डेटा का मीन कैलकुलेट करते हैं तो लाजमी नहीं है कि वो डेटा में से ही कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो ऐसा नहीं है। तो देखें डेटा के सेंटर में आई, वो डेटा में आई नहीं रहा 75 लाइक दिस वन। अब जरा नोट कीजिएगा ये सेंटर में इसलिए नहीं है कि इससे कम कितनी वैल्यू है, 4, इससे ज्यादा कितनी वैल्यू है, 5, तो फिर सेंटर में तो नहीं, जबकि वहां पर क्या था, उसने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था ऐसी वैल्यू बताओ जो कि एक ऐसी सिंगल वैल्यू बताओ जो डेटे के सेंटर में आ जाए। अब देखिए एवरेज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द डेटा, क्या चीज रिप्रेजेंट करे जो हम देखना चाहते हैं इस डेटा से, हम देखना चाहते हैं ज्यादातर वैल्यू किस वैल्यूज की सराउंडिंग में है, तो फिर मीन वो कौन सी वैल्यू है जो एग्जैक्टली सेंटर में है, नॉट मीन।
फिर क्या करना है, ये बात की बात है। कम से कम मीन फेल हो गया यहां पर तो हमें मीन कैलकुलेट नहीं करना। सेकंड जरा देखिएगा, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मंथली इनकम इन थाउजेंड ऑफ रुपीस ऑफ फार्मर्स इन अ सर्टन विलेज। किसी गांव में कुछ फार्मर्स थे, मंथली उनकी इनकम, उन्होंने गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दिया, सही, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारी मंथली इनकम बड़ी कम है तो हमें जरा फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिएगा। अब गवर्नमेंट कहते कि ठीक है, हम देख लेते हैं कि आपकी कितनी की इनकम है। तो उन्होंने एक कम अपने किसी ऑफिसर्स को या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट था उनको कहो जाओ जरा गांव के फार्मर की इनकम का डेटा तो भेजो। अब हर एक फार्मर की इनकम का तो नहीं भेज सकते कि एक फार्मर कितनी है, एक कितनी है, एक कितनी है। उन्होंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया और एवरेज मीन कैलकुलेट करके दिया। एक की 35,000 थी, एक की 36, एक की 36, एक की 39, 40। लेकिन जो एक फार्मर था, लैंडलॉर्ड, बड़ा जमींदार, जिसके ज्यादा 5-10 मुरब्बे कह दें, वो कहता जी मेरी तो 5 लाख है, क्योंकि डेटा थाउजेंड थाउजेंड्स में है ना, इन थाउजेंड्स, तो 500,000, 5 लाख। अब जब डेटे का मीन कैलकुलेट करते हैं हम तो वो बनता है 91,000, क्योंकि डेटा थाउजेंड में। रिपोर्ट गवर्नमेंट को चली गई कि जी इस गवर्नमेंट के फार्मर्स जो हैं उनकी मंथली इनकम जो है वो 91,000 के राउंड अबाउट है। तो शायद ये इनकम बड़ी हैंडसम है, कोई कम तो नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की क्या जरूरत है, आप तो लाख के करीब करीब तकरीबन अर्निंग कर रहे हैं। सारे फार्मर्स कहेंगे ये रिपोर्ट सर गलत है। ये रिपोर्ट गलत नहीं है, रिपोर्ट में जो मेन लिखा है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन फार्मर कहते हैं ये हमारे तो डेटे को नहीं मैच कर रहा। हाँ ये बात ठीक है। और ये भी कहेगा कि जी आप मेरी इनकम 1 लाख के करीब करीब क्यों बता रहे हैं, मेरी तो 5 लाख के करीब है। आप ऐसे ही यानी कि मीन कैलकुलेट किया, कोई भी राजी नहीं है। ये अच्छा दोस्त था हमारा, सारा सब सबको निराश कर दिया। अब यहाँ पर समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं, वैल्यूज आर राउंड अबाउट 91, जो कि सही नहीं है। ये तो वैल्यू कहाँ 91 के थी, जो बहुत कम है उससे, और एक वैल्यू ज्यादा भी बड़ी है। तो दैट्स वाई मीन इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अबव डेटा। अब ये क्यों हो रहा है कि जी सारी वैल्यू कह रही हमारा तो नहीं है ये रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज ऑफ दिस। वो जो 5 लाख रुपया है उसको भी शामिल कर रहे हैं और वो डेटे का आउटलायर है ना, कंसिस्टेंट नहीं है, मैचिंग नहीं है जी। बहुत बाकी भी तो 5 लाख है, बाकी तो 30, 35, 40, एक ही 5, सब डेटे का जैसे कहते हैं ना बिड़ा गर्क कर दिया, एक वैल्यू नहीं। मैं आपको मीन की आउटलायर की ट्रीटमेंट नहीं बता रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अब क्या करना है जी इस आउटलायर का, क्या करें। मैं आपको ये कह रहा लगा हूं इस सिचुएशन में, कब, जब डेटे में आउटलायर आ जाए। कैसे पता चलेगा ये आउटलायर है, इसका भी एक डिटेक्शन मेथड बाद में पढ़ना है। हम बकायदा डिटेक्ट किया करेंगे ये आउटलायर है कि नहीं है। जैसे अगर एक वैल्यू 60 हो जाए, आप कहें जी 40, 45, 60, 60 का आउटलायर है, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि ये आउटलायर है। तो कैसे डिसाइड करना आउटलायर है कि नहीं है, वो बात की डिस्कशन है। फिलहाल क्या करना है, मीन को छोड़ते हुए इन दो सिचुएशन में हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। कब, जब ऑब्जेक्टिव हो डेटे का, सेंटर फाइंड का नाम भी नजर आ रहा है, मीडियन, मीडियन, मिड, ये मिड बताता है आपको डेटे का। हमें भी यही चाहिए, क्यों, एग्जैक्टली एट द सेंटर चाहिए। और दूसरा, अगर आउटलायर आइडिया में आ जाते हैं तो कम से कम मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे तो आप ये आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसको इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटलायर आ भी गए तो फिर क्या हुआ, मेरा कैलकुलेशन ही ऐसा है, मैंने आउटलायर को बॉदर ही नहीं करना, तो फिर ठीक हो गया ना। आउटलायर मेन को इफेक्ट करता है, मीडियन कैलकुलेट करने में आउटलायर को इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो हमारे दोनों मसले इसने सॉल्व कर दिए मीडियन के। अब एग्जाम में या तो एग्जामिनर डायरेक्टली बोल देता है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ दिस डेटा एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली, या कभी कभी आपको उसकी डेफिनेशन के थ्रू कहता है फाइंड द वैल्यू विच इज एग्जैक्टली एट द सेंटर। कुछ लोग कहते हैं मीन सेंटर में होता, तो वो तो नहीं होता, मीडियन होता है। अब जरा कैलकुलेट इसकी डेफिनेशन क्या है, मीन की तो थे ना, सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। कहता है मीडियन इज द वैल्यू दैट डिवाइड द अरेंज्ड डेटा। यस, डेटा अरेंजमेंट जरूरी है ऑर्डर में। आपके अगर तीन भाइयां, एक आपसे छोटा, एक आपसे बड़ा है, और कोई आपसे पूछे कि दरमियान में कौन है, तो ये तो नहीं करोगे कि आप छोटे भाई को दरमियान में खड़ा करके कह दोगे ये देखें जी ये दरमियान में है।
आप कहते हैं यार मैं दरमियान हूँ, इसलिए एक मुझसे छोटा एक मुझसे बड़ा है, यानी कि आपने डेटे को अरेंज किया तो उसके मुताबिक आप दरमियान में बनते हैं, मिडल। तो मीडियन इज अ वैल्यू दैट डिवाइड द अरेंज डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज 50% डेटा बिलो दैट वैल्यू, 50% डेटा अबव दैट वैल्यू, दैट इज मीडियन इज एक्जेक्टली एट अ सेंटर, यही हमें चाहिए। तो फिर मीन नहीं, मीडियन। मीडियन कैलकुलेट कैसे करना है? डेटा हम अरेंज करते हैं, डेटा में हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, मे बी 20, 30, 40, 50 जितनी भी है। कहता है कि इस लोकेशन पे जो ऑब्जर्वेशन पड़ी होगी वो नोट कर लोगों, बिल्कुल सेंटर में होगी। जैसे होता है ना, उस लोकेशन से क्या मुराद है, सातवीं ऑब्जर्वेशन, तो हमने जाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ देनी है, सातवीं ऑब्जर्वेशन पर पहुंच जाना है, देख लें कि वहां क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ये बात की बात है। उसने ना आपको लोकेशन बताई है, कहता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अर्थ लोकेशन की जो ऑब्जर्वेशन है वो सेंटर में है, वो आप नोट करके बता। फर्ज करें डेटा को, जैसे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ये जो ब्लैक लाइन है ये मेरे डेटा है, यहाँ छोटी वैल्यू है, यहाँ उससे बड़ी तो रेंज, तो मैं इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में कट लगाया हुआ, मीडियन यहीं पर होगा, 50% डेटा उसकी बिलो और 50% अबव। तो मीडियन इज अ वैल्यू दैट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा। अब जरा एक एग्जांपल से करते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, देखिए डेटा की इतनी अहमियत नहीं होती, मैं ऐसे कभी मार्क्स की बात कर देता हूँ, कभी प्लांट हाइट की बात कर देता हूँ, कभी नंबर ऑफ गोल्स की बात कर देता हूँ, तो कैलकुलेशन हमारी इंटरेस्ट होती है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स obtained by 20 students during the entry test of a college. बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, find the median marks. अब ये क्यों करना था, चले ये भी बता। ऐसे ही एक स्टोरी से बना के दिखा देते हैं। फर्ज करें कॉलेज है, एंट्री टेस्ट लिया है, उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि जितने बच्चे टेस्ट में आए हैं सबको वो एडमिशन दे दें। उन्होंने कहा यार आप ऐसा करो, एंट्री टेस्ट ही ऐसा बनाओ कि जितने बच्चे एग्जाम में आए हुए हैं, 20 आए हुए ना, 10 पास हो जाए 10 फेल हो जाए। उन्होंने कहा जी आपका टेस्ट ही फेल हो गया, हम क्या करें। तो फिर क्वेश्चन ही बनता कि पासिंग मार्क्स कितने रखें। फर्ज करें ये 100 नंबर का ही पेपर है, तो क्या 50 पासिंग मार्क्स रख दें, आपको श्योर है 10 स्टूडेंट के नंबर 50 से ज्यादा होंगे जब वो टेस्ट देंगे, और 10 के नंबर जो है 50 से कम ही होंगे जब वो टेस्ट देंगे, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे इस डेटे की बात ही करें, हाईएस्ट नंबर किसी के आए तो 66 आए हैं, अगर आपने 50 रखे हुए हैं पासिंग मार्क्स तो सिर्फ एक स्टूडेंट पास हुआ है, बाकी तो सारे 50 से कम है, तो 19 फेल है, पास है, आपने तो कहा था 10 फेल 10 पास, तो क्या करें। आप बच्चों को कहें आप टेस्ट दें, पासिंग मार्क्स डिक्लेयर ही ना करें, जब वो बच्चे सारे टेस्ट दे जाएं, उनके नंबर लें, उनको अरेंज करें, बिल्कुल देखें सेंटर में कितने नंबर बनते हैं, डिक्लेयर कर दें, कहें जी जिनके नंबर इससे ऊपर है वो पास है, जिनके नंबर इससे नीचे है वो फेल है, ऑटोमेटिकली आधे पास आधे फेल। और ये टेक्निक मैंने अपने उधर यूनिवर्सिटी में भी लोगों को कहा, हम उधर एंट्री टेस्ट लेते थे ग्रुप्स की फॉर्म में, 23 ग्रुप हमारे बने, हुआ क्या, किसी ग्रुप का पेपर मुश्किल बना सारे फेल हो गए, किसी ग्रुप का पेपर आसान बना जो उस ग्रुप में आया सबको एडमिशन मिल गया। मैंने कहा ये तो अनजस्टिफाई है। कहते जी पेपर मुश्किल आसान तो हमें क्या पता आप किस ग्रुप का, मैं कहा जी आप हर ग्रुप से आधे पास आधे फेल करो। कहते फिर हमारे जिनका मुश्किल होगा वो तो नंबर ही कम हो जाएंगे। मैं कहा आप हर ग्रुप के पासिंग मार्क्स अलग कर दो, बच्चों को बताओ ही ना कि पासिंग मार्क्स है कितने, खुद ही आप नंबर लो, डिसाइड करो कि 33 से ऊपर वाला पास, 33 से ऊपर वाला फेल, नीचे वाला फेल, क्योंकि पेपर उस ग्रुप का मुश्किल था आधे पास आधे फेल, क्योंकि हर ग्रुप में सेम स्टूडेंट थे। दूसरे ग्रुप का पेपर ही आसान था, वहां मिडल में 60 नंबर बनते थे, वहां 60 वाला पास था, वहां पर भी आधे पास आधे फेल, हर ग्रुप में से आधे पास हो गए और आधे फेल हो गए, चाहे पेपर मुश्किल हो आसान हो, यूज किया हमने इस चीज को। अच्छा जी, अब मीडियन कैलकुलेट कैसे करना है। पहले तो कहता जी इस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी लोकेशन, वो कहता जी मीडियन है, वहां से पिक कर ले। चले जी देख लेते हैं, ये बनती है 10.6 लोकेशन, यानी क्या चीज है, नंबर ऑफ वैल्यूज और वो है 20, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 21 को 2 पे तकसीम किया 10.5। अब मसला ये है कि 10वीं वैल्यूज की तो समझ आती है, 11वीं की तो समझ आती है,
ये 10.5 का क्या मतलब है? तो 10.5 का एक्चुअली मतलब क्या है, आप दसवीं वैल्यू तक पहुंच जाए, टेंथ, यानी कि जो इसमें होल नंबर लगा हुआ है, वो तो ठीक है ना। अब रह गया बात फ्रैक्शनल की, 0.5 का बताऊं क्या मतलब है, 10 के बाद 11th स्टूडेंट के नंबर आने हैं, ऐसे ही है ना अरेंजमेंट में। आपने क्या करना है, 10th और 11th स्टूडेंट का जितना मार्क्स का गैप है, जितना गैप है, उस गैप फर्ज करें 15 नंबर का है, हाफ कर लें 7.5, वो दसवें स्टूडेंट के नंबर का डाल, जितने दसवें स्टूडेंट ने नंबर लिए हुए, फर्ज करें 30 लिए हुए, तो 7.5, और बिल्कुल 37.5 सेंटर में आ जाएगा। तो क्या फार्मूला बन गया, इस डेसिमल पार्ट में जो होल नंबर होगा वो आपने लिख लेना है। तो क्या नंबर है होल, 10, 10 नहीं लिखा मैंने, 10th लिखा है, प्लस 0.5 जो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इनटू 10.5 के बाद का होल नंबर 11, माइनस 10.5 से पहले का होल नंबर 10। अब आपने काउंटिंग करनी है, 10th लोकेशन पे जो स्टूडेंट था, दसवां स्टूडेंट, उसके नंबर बनते कितने, डेटा पहले रेंज है, तो ये दसवें स्टूडेंट के नंबर है 30, ओके 0.5। अब 11वें स्टूडेंट के नंबर कितने हैं, 31, और 10वें स्टूडेंट के नंबर कितने हैं, 30। इनका डिफरेंस लिया 1, 1 को हाफ किया, 0.5 इसमें ऐड कर दिया, 30.5। नहीं जी, डिक्लेयर करते 30.5 जिस बच्चे के नंबर होंगे वो पास है, जिसके नंबर कम है वो फेल। अब 30.5 यहां पर आएगा, ये वो सारे स्टूडेंट है 10 जिनके नंबर 30.5 से कम है, वो एंटी टेस्ट में फेल हो गए। ये वो सारे स्टूडेंट है जिनके नंबर एंट्री टेस्ट में 30.5 से ज्यादा है, ये पास हो गए। बजाय इसके कि हम ऐसे ढूंढते रहे, अच्छा ये सेंटर में बनता है कि ये बनता है, तो क्यों ना एक प्रॉपर फेज से जाएं। दो स्टेप्स हो गए, पहला स्टेप हो गया लोकेशन, लोकेशन कैसे फाइंड करनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो रीडिंग आ जाए उसका आपने ले लेना होल पार्ट, होल फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट 10.5 के बाद का होल नंबर 11 और 10.5 से पहले का होल नंबर 10। तो देखिए मैंने 11 और 10 मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो दसवां स्टूडेंट है उसके नंबर लिख लें, और फिर जो 11वें और 10वें स्टूडेंट के जितना नंबरों का गैप है उसका हाफ, तो इनका गैप बनता है 10वें और 11वें का सिर्फ एक नंबर का, उसका हाफ किया, 0.5 इसमें ऐड कर दिया, ले सेंटर में पहुंच गए, सेंटर में हम आ गए। पहले लोकेशन डिफाइन कर दी, फिर उस लोकेशन की वैल्यू पढ़नी कैसे, तो वैल्यू भी पढ़ दी। लेट्स सपोज जो बच्चे फेल हो गए, ऐसे एक स्टोरी बना रहा हूं ताकि पता चले ये क्यों ऐसे चीजें करनी है, ये क्या ऐसे हम किसे करी जा रहे हैं, इसको कट पुट किए जा रहे हैं डेटे को। जो बच्चे फेल थे 10, ये बच्चे फेल थे, ये अब बार बार कॉलेज को फोर्स कर रहे हैं कि जी हमारा रीटेस्ट कर लें, एक और चांस दें। अब कॉलेज कहता जी जो बच्चा 100 में से 5 नंबर दे रहा है उसको रीटेस्ट में क्या करें। फिर हाल कॉलेज फोर्स हो गया, कॉलेज कहता ठीक है जी, लेकिन कहता जी मैं सब सबका रीटेस्ट नहीं करूंगा, मेरे पास नहीं इतने दोबारा से, मैं सारा क्या करें। कहते जी जो फेल हुए हैं, फेल उनमें से आधों का मैं रीटेस्ट करूंगा, बस जो फेल हैं 10 उनमें से आधों को मैं रीटेस्ट के लिए बुलाऊंगा। फर्ज करें आपको ही कह दिया जाता है कि अच्छा जी जो फेल हैं उनमें से आधे रीटेस्ट के लिए बुलाने हैं, जरा नंबर तो अनाउंस कर दो कि कौन सा बच्चा रीटेस्ट में आएगा। बच्चा फेल है लेकिन उसको रीटेस्ट के लिए बुलाना है, ये तो हो गए ना पास, इधर से वाले पास हो गए, इधर वाले सारे फेल हो गए। यहां पर कट लगाओ, यहां जो वैल्यू पड़ी हुई है ये क्या करेगी, आधे का आधा कर देगी, एक पाव नहीं, एक किलो, आधा किलो, एक पाव। यहां जो वैल्यू पड़ी होगी ना, जिन बच्चों के नंबर इससे ऊपर होंगे जाहिर है इससे नीचे होंगे, वो रीटेस्ट में आ जाएंगे, और ये बच्चे जो है इनको आप रिफ्यूज कर दोगे, वाकई हमें फिर आधा का फिर आधा करना पड़ेगा। इसी तरह से जो बच्चे पास तो हो गए, एडमिशन भी मिल गया, अब वो कॉलेज वालों को कह रहे थे कि जी हमें जरा थोड़ा सा स्कॉलरशिप दे दें, फीस में राहत दे दें,
कॉलेज कहता जी सबको तो नहीं, जिसका एडमिशन मैं हर एक की फीस माफ कर दूं या उनको कुछ कंसेशन दे दूं। उसने कहा जी कि मैं आधों को कंसेशन दे देता हूँ, आधों को, ये सारे बच्चे पास हैं। उसने कहा जी टॉप के आधे उनको दे देते हैं या। अब यहाँ दो कंसर्न हो गए कि स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज कितने नंबर अनाउंस करे और री टेस्ट के लिए कितने अनाउंस करे। आपका जी डेटे के तो फिर चार सेगमेंट ही करने पड़ेंगे। यस, डेटे के अगर मीडियन दो पार्ट करता है, इसी कंसेप्ट को लेके हम डेटे को चार इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, फोर इक्वल। तीन क्वांटिटी होंगी, देखें तीन, ये लें चार ही से बन गया, एक दो तीन चार, चार ही से बन गया। इनको हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं, नाम में नजर आ रहा है क्वार्टर से, वो था मिड से मीडियन, क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स जिसको हम क्यू से लिखते हैं आर द वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू हाउ मेनी, फोर इक्वल पार्ट्स। अगर परसेंटेज की बात करें तो 25-25% के चार, मीडियन 50% के दो बनाता है। कहता जी इसकी लोकेशन कैसे फाइंड करनी है, मीडियन की तो थी एन प्लस वन बाई फोर, देखिए काफी करीब करीब है ये फार्मूला। एक तो नीचे टू और फोर को वैसे क्लियर कर लें, ये मीडियन था नीचे टू लिखना है, अगर क्वार्टाइल्स हो तो नीचे फोर लिख देना है। अब क्वेश्चन है ये तो तीन है, क्या जी फिर थोड़ी सी चेंज करें, वो क्या कहता इधर जो क्वार्टाइल आपने कैलकुलेट करना है ना, फर्ज करें वन, तो इधर भी वन लिख दिया करें, ये पहले क्वार्टाइल की लोकेशन। अगर इधर टू तो इधर भी टू कर लिया करें, ये दूसरे क्वार्टाइल की लोकेशन। और नोट करें अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये मीडियन नहीं बन जाता, तो Q2 मीडियन ही है, मिड में है ना Q2, तो मीडियन ही है। और अगर Q3 की लोकेशन देखनी हो तो 3 कर लें, और नीचे 4 इसलिए कि क्वार्टाइल 4। तो मैंने यहां पर आपको समझ लें तीन लोकेशन लिखी हुई है। मैंने कहा J, इधर भी J लिखा हुआ ना, मैंने कहा जे को वन रख ले तो पहले की लोकेशन, जे को टू रखेंगे दूसरे की लोकेशन, जे को थ्री रखेंगे तो तीसरे की लोकेशन आ जाएगी। अब जरा कैलकुलेट भी कर देते हैं, कहता जी कि ये तीन क्वांटिटीज हैं 25-25% के पोर्शन बनाई, जिन्हें हम क्वार्टाइल्स कहते हैं, और Q2 इज आल्सो कॉल्ड मीडियन, एक ही बात है ना, तो क्वार्टाइल सेगमेंट है। रीजन आप कहें क्यों करने, मैंने ऐसी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको बता दी कि जी कॉलेज ये जाता था जो नीचे वाला हाफ है इसका मजीद हाफ करना, ताकि वो रीटेस्ट के लिए पता चले किन बच्चों को बुलाना है, जो अपर हाफ है पास वाले उनका फिर हाफ करें ताकि कॉलेज को पता चले कि कितने मार्क्स या उससे ऊपर वालों को आपने स्कॉलरशिप देना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, क्यू वन यहां वन नीचे फोर, 5.26 पांचवी ऑब्जर्वेशन तो समझ आती है, छठी भी समझ आती है, ये 5.25 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पांचवी ऑब्जर्वेशन पे चले जाएं जो होल नंबर है, ठीक है, और फिर पांचवी और इससे आगे कौन सी होगी, छठी ऑब्जर्वेशन, पांचवी और छठी का जितना डिफरेंस है उसका 0.25 कितना होता है 1/4 चौथा हिस्सा, कहता वो भी शामिल कर दें इसमें, आप बिल्कुल 25% पर पहुंच जाएंगे। तो फार्मूला फिर क्या बना, फार्मूला ये बन गया होल नंबर होल पार्ट फिफ्थ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0.25, इसके बाद का होल नंबर सिक्स, इससे पहले का होल नंबर फिफ्थ, और डेटा से उठा के इसमें वैल्यू बस प्लेस कर दिया आपने। फिफ्थ वैल्यूज 21 है डेटे की, 1, 2, 3, 4 और 5 21 है, फिर 0.25, इससे अगले और इसका डिफरेंस कितना बनता है चार का, उसको 0.25 से मल्टीप्लाई किया, एक आ गया ना 0.25, और देन 21 में जमा किया तो 22। कह दिया जी कि जिन बच्चों के नंबर 22 या 22 से ज्यादा हैं वो रीटेस्ट के लिए आएंगे, जाहिर है तो फेल ना। अब देखें 22 या 22 से ज्यादा का रीटेस्ट होगा, 25 वाला एक स्टूडेंट, एक 26 है, एक 27 है, 30 और 31 सारे आएंगे रीटेस्ट, पांच आएंगे, 10 में से 5 आ गए, फिर Q2। वैसे अगर इधर सिंप्लीफाई करें ना इसको ऐसे, आप कहेंगे ये तो 10.5 ही आता, देखें 10.6 ही आता है, तो फिर तो आंसर भी वही आएगा 30.5, बिल्कुल सही है।
Q2 is also called median. Q3 upper portion. ये जो 3 है 3 इंटू एन प्लस 1, देखिए सिमेट्री सब जगह वही चल रही है, सिवाय इसके के डिवाइजर बदल 4 आ रहा है वो तो क्वार्टाइल की वजह से, और वो लोकेशन की वजह से 1 है तो 1 लिख दें, Q2 है तो 2 लिख दें, Q3 है तो 3 लिख दें, एंड सो ऑन किया जा सकता है। और इसके बाद वैल्यूज, इसके मुताबिक जिन स्टूडेंट के नंबर 36.5 यहां पर या उससे ज्यादा है वो स्कॉलरशिप है, तो आधे बच्चे 10 में से 5 स्कॉलरशिप लेके 5 में। आपको थोड़ा समझ आया कि किस तरह से आपने इन वैल्यूज की सेगमेंट्स करने, पोर्शन करने, इसी को ही मजीद एक्सटेंड करें। पहले मैंने बड़े पीस किए 50-50% के, फिर कहा जा रहा इसके छोटे पीस कर लो, 25-25 के कर दिए, इससे छोटे पीस भी हो सकते हैं, वो कौन से, डी साइज, डी से नजर आता होगा डेसी 10, कहता 10-10% के 10 पीस करने तो फिर क्या करोगे, फिर हम डी साइज कैलकुलेट कर देंगे कितने, 1, 9 डी साइज आर द वैल्यूज दैट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट। पूरा डेटे को 100 समझ लें, 10 इसे करने हैं, एक इसे के में कितने परसेंट, 10%, बिल्कुल अब एक ही पैटर्न है। मैंने कहा ना डी की वजह से नीचे 10, आप कहेंगे कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 9, वो यहां चेंज होते जाएंगे, ये मैंने लिखा हुआ यहां चेंज करते जाएंगे। ये डेटा सेट है डिसाइल्स, 9 कट्स लगाएंगे 10 वैल्यूज बनेंगी, और हर पोर्शन जो है वो 10-10% को रिप्रेजेंट कर रहा है। D5 भी फिर वही, है Q2 कह दे, D5 कह दे, मीडियन कह दे, बिल्कुल ये एक ही स्टेटमेंट। अगर आपको कैलकुलेशन पे जाना है तो अब हमारे लिए आसान है, फर्ज करें ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर आपको आ जाता है फोर्थ डिसाइल कैलकुलेट करना, यानी फोर्थ डिसाइल D4। पहले तो लोकेशन लें इसकी कैसे, 4 नीचे 10 इधर एट प्लस 1, वो तो सब में ही आ रहा है, लोकेशन आ जाएगी 8.4। फ्रैक्शनल में काउंटिंग भी आपकी कैसे, होल नंबर कितना 8, फ्रैक्शनल कितनी है 0.4, 8.4 के बाद होल नंबर 9, 8.4 से पहले होल नंबर 8, डेटा में से वैल्यू उठा के रखते हैं। 40% वैल्यूज 28.2 से कम होंगी, और बाकी जो वैल्यूज होंगी 60% वैल्यूज डेटा की वो 28.2 से ज्यादा हो, यानी कि जब वो 4 या 5 लिखता है, आपने जब इसको इंटरप्रिटेशन या समझना है तो आपने इसको बिलो दैट में कहना है, आपके जो 4 हिस्से अबव के बिलो, तो बिलो, बिलो का वर्ड है ना ये, 6 हिस्से बिलो, 4 हिस्से ऊपर इसके कह सकते हो आप, इसके ऊपर 6 हिस्से कह सकते हो, तो इस तरह से डी साइज। चले थोड़ी सी आपकी जरा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जल्दी से आपने मुझे एक कैलकुलेशन करके बतानी है D7, करें शाबाश, आपको एग्जाम में आ जाता है कैलकुलेट D7 फॉर द अबव डेटा, करें शाबाश, क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपके सामने हैं, जल्दी से करें और बताएं मुझे। थर्टी फोर पॉइंट सेवन बिल्कुल सही है जी आपका आंसर।
ठीक है जी, ठीक है। आपने पहले लोकेशन फाइंड की और लोकेशन कहती है कि ये सेवन इधर, इस डी की वजह से 10 और इधर 21। यहां इस लोकेशन पे जो ऑब्जर्वेशन होगी तो सेंटर ये बनती है आपके पास 14.7। 14th ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे हैं आपने, 10, 11, 12, 13, 14, 34 बनती है ये वाली ऑब्जर्वेशन प्लस 0.7। इसके बाद है 35 और इससे पहले है 34, एक बनता है 34.7। B7 का मतलब है डेटे के 70% स्टूडेंट ने नंबर जो दिए हैं 34.7 से कम दिए हैं और 30% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 34.7 से ज्यादा है। एक्चुअली हाथी के पाँव में सबका पाँव, परसेंटाइल भी सारा कुछ है। वो कहता आप जो कहते हो इतने पीस कर लो, फिर इतने कर लो, फिर छोटे पीस की जरूरत पड़ेगी और आपको छोटा साइज, कहता पहले तुम 1-1% के कर लो, पहले ही तुम 1-1% के कर लो। अगर तुम्हें Q1 की जरूरत पड़े तो 25 पीस उठा लो 1-1% वाले, तो 25% बन जाएगा Q1। तो परसेंटाइल परसेंट 100 फॉर्मूला भी वही, बिल्कुल वही, जो इधर लगाना है नीचे 100 लगाना है, इसलिए कि परसेंटाइल 100 होते हैं और 1-1% के पोर्शन आपको कर देगा। अगर मैं कहूंगा P25 तो वो Q1 भी आ जाएगा, अगर मैं कहूंगा P50 तो Q2 आ जाएगा, अगर कहूंगा P75 तो Q3 बन जाएगा। ये एक ही चीजें हैं, वो 25% का एक बल्ब बनाया हुआ था, 75% का हमने 1-1% करके 75 इकट्ठे कर दिए, 75% तो ये भी बन गया। ये वो इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे देते हैं ना, कोई एंट्री टेस्ट दिया पूरे पाकिस्तान से, फर्ज कर ये मेडिकल कॉलेज वगैरह में होते हैं या ये क्या ये टेस्ट होते हैं ना GRE टाइप टेस्ट, अक्सर मेरे कोलीग मेरे पास आते हैं कि यार मेरे बच्चे ने टेस्ट दिया था, दो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक आ रहा है बच्चे का परसेंटेज नंबर, एक आ रहा है बच्चे का परसेंटाइल नंबर। कहता है ये परसेंटाइल नंबर पता नहीं, कि परसेंटेज तो समझ आती है कि किसी की बात हो रही है, अब परसेंटाइल नंबर एक्चुअली क्या है। फर्ज करें ऐसी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बरकदार था उसका, उसने टेस्ट दिया, उसे कह दिया जाता है कि जी तुम्हारे 73% नंबर आए टेस्ट में। ये कह रहा है कि अगर टेस्ट 100 नंबर का था तो तुम्हारे 100 में से 73 नंबर आए, चाहे टेस्ट 500 का क्यों ना हो, लेकिन 100 में कन्वर्ट कर, परसेंटेज यही होते हैं ना आउट ऑफ 100, 73%। ये तो आ जाते हैं बच्चे के परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स 73%। कहते हैं ये तो समझ आती है कि पेपर चाहे 300 नंबर का था लेकिन उन्होंने इसको परसेंटेज में करके दिया 73%। ये परसेंटाइल स्कोर 90 दिया होता है, परसेंटाइल 90 दिया होता है, परसेंटाइल में लिखा होता है उन्होंने 90%। जी ये क्या है परसेंटाइल 90, इसकी नहीं समझ आ रही इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो पेपर है जिसमें वो मेरे कुलीग का बेटा भी शामिल है, अगर वो पेपर देने गया है और 100 बच्चों ने पेपर दिया है, 100 बच्चों ने, ये हम तमाम बच्चों के नंबर, पहले बच्चे के नंबर जो सबसे कम थे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे एंड सो ऑन, वो जो मेरे कुलीग का बेटा है उसके नंबर है 73%। और 90th परसेंटाइल का मतलब है कि वो P90 पर है। अब P90 से क्या मुराद है, डेटा 90% स्टूडेंट के नंबर उससे कम आए। अगर 100 स्टूडेंट उस पेपर में गए थे, किसी के 60% नंबर आए हैं, किसी के 50, किसी के 30, 90 स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं उससे कम और 10 स्टूडेंट ने नंबर उससे ज्यादा भी लिए। हो सकता है 74% हो, किसी के 75 हो, यानी कि 10% स्टूडेंट के नंबर उससे ज्यादा और 90% स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो उससे कम आए। मैंने एक जगह, बहुत देर की बात है, स्कॉलरशिप के लिए मैंने भी एक पेपर दिया GRE का, बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट थे,
स्टैट्स का पेपर था, ऑल्दो बड़ी देर से स्टैट्स पढ़ा रहा था, लेकिन ये तो नहीं है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे स्टैट्स की हर चीज ही आती है। नो, मुझे तो बस वो आती है जो मैंने पढ़ी थी, सीधी सी बात है। और वो तो बड़ा जनरल सा था, काफी मुझे टफ लगा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नहीं मेरे नजरों में गुजरी थी। आई गॉट 73% नंबर, मैंने इसलिए यहाँ लिखा। और मैं काफी मायूस भी था अपने इस परफॉर्मेंस से कि जी इतनी देर से मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो बहुत सारी चीजें मुझे भूल चुकी हैं, लेकिन फिर भी 73% इज वेरी लो मार्क्स। लेकिन मुझे मुझे तसल्ली हो गई जब मैंने अपना परसेंटाइल स्कोर देखा तो 97% यानी कि 3% स्टूडेंट इवन थे मुझसे भी बेहतर थे, लेकिन यहाँ देख के मुझे तसल्ली हो। ये आपको बताता है आपके नंबर 100 में से कितने हैं, और ये बताता है 100 स्टूडेंट में से या 100 डेटा वैल्यूज में से आपकी लोकेशन किधर है। 97th लोकेशन पर आप बैठे हो रेंज डेटा में जाके, 3% आपसे ऊपर है और 97% स्टूडेंट के नंबर आपसे भी कम आए। तो मैं फिर खुश हो गया, मैंने कहा यार ठीक है, मुश्किल मेरे लिए तो नहीं था, ये तो बाकियों के लिए भी था, मैं तो टॉप 3% पे हूँ। ये आपको आपकी लोकेशन बताता है। देखा ना, मैंने लफ्ज बोला था ना, पूरे डेटा में कहाँ हो गए, यहाँ करके खड़े होंगे मैं P97 यहाँ पर, और कितनी वैल्यू है 73%। अगर फर्ज करें टॉप 5% को स्कॉलरशिप मिलना हो फिर तो मुझे मिल जाना ना, 73% नंबर लेके भी मिल जाना, क्योंकि मैं टॉप 5 पर आ गया हूँ। जी अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझसे तो पूछे, इनके रेलिवेंट के मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल्स वगैरह जो है वो पहले उसकी लोकेशन फाइंड कर लेते हैं और फिर उस लोकेशन पे पर्टिकुलरली जो वैल्यू आती है वो वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो कैसे काउंट कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं तो उनके परसेंटेज भी सेम हो तो उनका जो परसेंटाइल नंबर होगा उसमें से किसको आगे रखें किसको पीछे रखें? नहीं, वो दोनों को ये एग्जैक्ट नहीं, जब वो मैच कर जाते हैं तो वो चूंकि डेसिमल्स में भी सम टाइम आ जाता ना आंसर, तो वो फिर उनको सेम परसेंटाइल स्कोर देते हैं। अगर उनके नंबर सेम होंगे तो उनको वो सेम परसेंटाइल स्कोर देते हैं। देखिए मैंने आगे भी आपको बोला था स्टेटिस्टिक्स की जब ये कैलकुलेशन जैसे मीन की बात की हमने, तो वो आपको समटाइम्स राउंड फिगर में मिल जाता है, तो आप कहते ठीक है जो अंदाजे लगाना है ना। तो अगर सेम नंबर भी हो, वैसे भी मैं वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर मेरिट में फर्ज करें 50 होता भी यही है, 50 सीटें हैं और 50वीं जब सीट थी तो उसके नंबर थे 715, लेकिन 715 वाले 3 स्टूडेंट। अब ये तो नहीं करेंगे कि ये 715 बेहतर है और ये दो 715 वाले बेहतर नहीं है, सीटें वो बढ़ा देंगे, वो कहते हैं 53 दाखिल होते हैं तीनों को एडमिशन में। वैसे इन जनरल बात है, तो ये फिर बाद में इंटरनली डिसीजन होता है कि जी अच्छा जी अब क्या करें। तो इसके ऊपर तो मुझे पता है कि अगर लास्ट मैरिड है 50 सीट पूरी हो गई लेकिन 4 स्टूडेंट के उसी नंबर पर हैं, वो चारों को ही ले जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें रफली से तो पता चल गया, अब हम खुद इंटरनली इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। हाँ कई लोग जैसे हमारी यूनिवर्सिटी वाले पाओ क्या करते हैं, वो अब वो सीट नहीं बढ़ाते, कहते जी हम हमारे पास सीट है ही नहीं तो हम बढ़ाएंगे कैसे, नंबर सेम आ गए तो क्या जस्टिफाई करते हैं। वो नंबर सेम आ जाए ना तो जिसकी एज ज्यादा होती है ना उसको प्रेफरेंस देके एडमिशन दे देते हैं। और ये बड़ा रेयर चांस है कि जी उनके नंबर भी बराबर हों और दोनों सेम डेट और सेम दिन पैदा हुए हों, ये बड़ा ही रेयर चांस है। चंद तो स्टूडेंट होते हैं, पहले नंबर मैच करना एक इशू, फिर 50 में जाके ऊपर मैच करना इशू, फिर डेटे सेम हो जाए इशू। अगर हो जाए तो फिर वो देखते हैं कि इनके FSC के नंबर कितने ज्यादा हैं, क्योंकि टेस्ट के नंबर अलग होते हैं, फिर तो किसी तरह से वो ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेटली सा नंबर आपको वहां से मिल जाता है। जी कुछ और पूछना है? जी सर, आपने वो आउटलायर बताया कि मीडियम मिड पॉइंट फाइंड करना होता है तो अर्थमेटिक मीन सही नहीं होता, सर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फिर इफेक्ट होते हैं या नहीं होते इनसे? जी देखें आउटलायर से कम इफेक्ट होते हैं, होते जरूर हैं, इसलिए कम इफेक्ट इसलिए होते हैं। देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज वैल्यू लॉग की प्रॉपर्टीज में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो नेक्स्ट हम डिस्कस भी हमने मैथमेटिक्स में करना है। इनमें से एक लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी भी हो ना
और आप उसका लॉग ले दें तो वो सुकड़ जाती है, ऐसा कह, मतलब फर्ज करें एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 10, एक वैल्यू है 100 और एक वैल्यू है 1000, चार वैल्यू, चौथी वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते देखें बहुत फर्क पड़ गया, कहां सिर्फ एक है कहां 1000 तक चले गए। अगर आप एक्स है, अगर आप इनका लॉग ले लेंगे, लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 कैलकुलेटर से करके देखें 1 होगा, लॉग 100 2 और लॉग 1000 जो है वो 3 होता है। अब देखें कितना फर्क है, थी ना पहले, तो आउटलायर अगर हो और हम, लेकिन मसला तो वो ना, वो ज्योमेट्रिक मीन वाली बात तो हो ना, उसमें परसेंटेज वाली बात तो हो ना, ये तो नहीं ना कि ज्योमेट्रिक मीन इसलिए लगा देना कि आउटलायर है, क्या परसेंटेज में था, क्या रेट्स में था, तो कहा जाता आउटलायर उनको इतना शक नहीं करता, लेकिन चूंकि डेटा परसेंटेजेस में है या रेट्स में है तो इसलिए तो प्रेफरेबली तो वही रहेगा। मसला आता है ऐसा डेटा जो रेट्स में भी नहीं है, परसेंटेजेस में भी नहीं है और आउटलायर आ गए, तो अब क्या करना है। अब देखिएगा, फर्ज करें मेरे पास एक रीडिंग है 2, एक 3 और एक 5। मैं अगर आपको कहूँ फर्ज करें मिड, आप कहें ये मिड, और अब अपेरेंटली मुझे इनमें कोई आउटलायर नजर भी नहीं आ रहा, और मैं इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितनी रीडिंग उससे ऊपर है उतनी नीचे है, ठीक हो गया। फर्ज करें ये 500 हो गया, आउटलायर बन गया ना, बन गया। क्या अब मीडियन गलत कह रहा है कि जितनी रीडिंग मेरे ऊपर है उतने ही मेरे नीचे भी है, तो अब भी सही है। तो मीडियन की इंटरप्रिटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आउटलायर आ भी जाए, मीन ने तो बहुत फर्क पाल देना। मीन 500 को 505 को 3 पर तकसीम किया और जो आंसर आया 200-250, और मैं कहूंगा डेटा में जो वैल्यूज हैं वो इस वैल्यूज के राउंड अबाउट है, वो तो गलत हो गया। तो मीडियन इफेक्ट इसलिए नहीं होता कि आउटलायर किधर निकल जाए, कि किनारों पे, एंड्स पे, और आप कहें मीडियन हो सकता है मीडियन कैलकुलेट हो तो वो आउटलायर उसकी कैलकुलेशन में जाए, वो जा नहीं सकता, इसलिए कि अरेंज करेंगे तो मीडियन या इस सेंटर पर निकल जाएगा या इस सेंटर आउटलायर निकल जाएगा, मीडियन ने तो सेंटर से आना है, तो आउटलायर नहीं हो सकता। तो मीन, मीन ने चूंकि सारी वैल्यू ऐड करनी होती है अपने फार्मूले में, तो जिधर मर्जी आउटलायर हो उसने तो फार्मूले में ऐड होना ही होता, क्यों हम लिखते जो है सम ऑफ एक्स, इस वजह से मीन को इन्फ्लुएंस करता है, मीडियन को या क्वार्टाइल्स को या डिसाइल को आउटलायर इन्फ्लुएंस नहीं करते, क्योंकि वो किनारों पर चले जाते हैं और हम जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो सेंटर से या बिटवीन कर रहे होते हैं, वहां तो कम अज कम आउटलायर नहीं होता। यही रीजन है कि मीडियन जो है वो आउटलायर से क्यों इफेक्ट नहीं होता, बाकी दो कम इफेक्ट होते हैं लॉग की वजह से, और जब आप 1/1000 करते हो ना हार्मोनिक मीन में, तो वहां पर भी आपने देखा कि वैल्यू काफी कम हो गई 1/1000 की वजह से। जी किसी और ने क्वेश्चन करना हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आउटलायर इज ऑलवेज अ सिंगल क्वांटिटी? नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है एक 500 हो, एक 410 हो, एक 460 हो, बाकी वैल्यू जो है वो 30-20-90 तो 3 बन जाएंगे। मैंने अभी आपको ना आउटलायर कैसे डिक्लेयर करना है कि ये वाकया ही आउटलायर है ये नहीं बताया, है ना, बताया अभी सिर्फ इतना कहा कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता तीन हो। आगे हमने अगले चैप्टर में डिटेक्शन ऑफ आउटलायर पढ़ना है, उस डिटेक्शन में एक मैं रीडिंग लिखूंगा, जो उस रीडिंग के बाहर निकलेगा वो आउटलायर में डिक्लेयर होगा, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, वो पांच भी हो सकते हैं, वो दस भी हो सकते हैं। अब छोटी सी एग्जांपल है, आपने अगर मुझे कहा है, एक हमारे पास ना एकेडमी ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद से एजुकेशन एकेडमी है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वो एजुकेशनल सर्वे करता है, वो हमारे पास अपना एक डेटा लेकर आए, उन्होंने 25-30,000 बच्चों से डेटा लिया था, स्कूल के बच्चे थे, 5th क्लास के, गवर्नमेंट स्कूल के थे, उन्होंने वहां से जब उनका वेट निकाला ना, वेट, एवरेज वेट, तो पता चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं उनका जो एवरेज वेट है वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके बिल्कुल मुताबिक है। मतलब कि जी पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनली हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं एवरेज वेट के, वो बिल्कुल उनके करीब है। कहता जी ये डेटा तो यही कह रहा है, दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा मुझे दिखाएं जरा डेटा अपना,
जब मैंने उनका डेटा देखा तो उस डेटा में ये एक नहीं तकरीबन कोई 40 से 50 इस तरह की रीडिंग लिखी हुई मुझे मिली। मैंने कहा यार पांचवी क्लास का बच्चा 669 केजी का, 669 केजी का बच्चा पॉसिबल है? कहते नहीं जी ये तो हमने गौर ही नहीं किया, ये तो हमने डेटा वैसे बड़े एहतियात से फीड किया था। मैं कहा इधर लिखा हुआ 716 केजी का, ये यार को गौर करो। कहते जी नहीं नहीं ये नहीं है, ये हुआ क्या मुझे नहीं पता क्या रीजन है। इट मे बी उन्होंने 69 लिखना हो, बातें कर रहे थे जल्दी जल्दी से, पी पंच ऑपरेटर ने दो दफा 6 प्रेस हो गया, लिखना 69 था, लिख दिया 669। इसी तरह से 71 लिखना था, वो ऐसे 6 प्रेस हो गया। और ये एक नहीं तो 30-40 रीडिंग इस तरह की नजर आई, क्योंकि डेटा जो 25,000-30,000 वैल्यूज का था। मैंने कहा जी ये खुद ही चेक करते रहिए, मैं इसको निकालने लगा। मैंने जब उसको निकाला मैंने दोबारा कहा अब जरा मीन देखें, कहेंगे ले जी अब हमारे समझ आई कि ये हुआ क्या था। कहते जी हम तो बड़ी एहतियात से चेक कर रहे थे। मैंने कहा 30,000 वैल्यूज हैं ओवरलुक हो जाते हैं, तो आउटलायर की वजह से हमारा जो ट्रू समझ रहे हैं वो हमारी एनालिसिस, हमारे रिजल्ट्स, हमारी रिपोर्ट्स, जिसे कहते हैं ना दिल नहीं मानता, हम कहते हैं पता नहीं हमसे कैलकुलेशन गलत हो रही, चलो जी दोबारा कैलकुलेट करो, हर दफा वही आता है। तो मसला दिल का नहीं है, मसला ये डेटे का है, देयर इज एन आउटलायर। तो डिटेक्शन कैसे करते हैं, दो तीन ग्राफ है हमारे पास, आपको भी मैंने पढ़ाना है, बॉक्स प्लॉट उसे हम बोलते हैं, वो आपको आउटलायर डिटेक्ट करके देगा। और किसी भी डेटा में आउटलायर की तादाद एक हो सकती है, नहीं भी हो सकते, लाजमी थोड़ा होना ही है, दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच। मैंने जैसे बोला 25,000 वैल्यू थी, मुझे वहां से कुछ 56 आउटलायर गए, तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि जी एक ही होगा या दो ही होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना? चलो अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। अब बात आ गई कि जी जो भी आपने डिस्कशन की है मीडियन की और क्वार्टाइल्स और डिसाइल और परसेंटाइल्स, सब की सब जो डिस्कशन मैंने आपको की या समझाया, मैंने समझाया उस डेटा सेट के लिए जो अनग्रुप है, ग्रुप तो नहीं बने हुए थे, डेटा सेट ग्रुप तो नहीं ना थे, ये कौन से ग्रुप है, 30 बस रीडिंग है। और आपको पता ना जब बहुत बड़ा डेटा हो तो बहुत बड़ा तो नहीं, डेटे को हम ग्रुप फॉर्म में भी लिखते हैं, ये डेटा आ गया ग्रुप फॉर्म में लाइक दिस वन। अब कहता जी इसका फिर मीडियन और आउटलायर, मीडियन और क्वार्टाइल और डिसाइल और परसेंटाइल ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? यस, यही हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। कि अगर ग्रुप डेटा आ जाता है तो उसका मीडियन कैसे फाइंड करना है। डेटा दिया हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज वहां जॉब करते हैं और उनकी डेली इनकम डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लांट की हाइट हो सकता है, बच्चों के नंबर हो सकते हैं, और ये एम्प्लॉय की डेली इनकम है, डेली बेसिस पर उनका बिल बनता था 1,000 or 100 rupees में। कहता उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रीक्वेंसी है ना, 4 एम्प्लॉयज या वर्कर्स ऐसे थे जिनकी डेली इनकम 500 से लेके 2400 के दरमियान तक थी। डेटा जो कलेक्ट हुआ तो पता चला 4 वर्कर्स उस फैक्ट्री में ऐसे थे जिनकी किसी की 6, किसी की 15, किसी की 20, बहर 5 से 24 के दरमियान। 6 एम्प्लॉइज वर्कर्स ऐसे थे जिनका डेटा डेली इनकम का 2500 से लेके 4400 के दरमियान। 14 वर्कर्स का डेटा सैलरी, 22 वर्कर की सैलरी, 14 वर्कर की सैलरी, एंड सो ऑन। ये था डेटा सेट, अगर आप इनको ऐड कर लें तो ये 75 एम्प्लॉइज का टोटल उस पूरी फैक्ट्री में, जिनमें से कुछ की इनकम 5 से 2400 है, 6 की इनकम 25 है, 14 की, 22 की, तो मुख्तलफ इनकम ग्रुप्स में है। कहता है जरा मिडल वाला बताएं, मीडियन मिडल ही होगा ना, यानी कि वो कितनी इनकम है कि तकरीबन बेटे के दो हिस्से हो जाए। आप कहें जी आधे वर्कर देखें जी इससे ज्यादा कमाते हैं और आधे वर्कर की इनकम इससे कम है, यही हम चाहते हैं। जैसे उसने कहा था वो कौन से नंबर हैं, आधे स्टूडेंट के नंबर इससे ज्यादा हैं और आधे के इससे कम, यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली वो कौन सी इनकम है जो सेंटर में, क्वेश्चन में उसने कहा होगा फाइंड द मीडियन फॉर दिस डेटा। आप देखते हो ये ग्रुप बने हुए हैं, पहला स्टेप इसका भी लोकेशन है। आप कहेंगे वहां तो पता नहीं, इसमें रीडिंग नहीं पता होती आपको,
अब यहां पर आपने मीडियन क्लास ढूंढनी है, वहां थी मीडियन वैल्यू की लोकेशन, यहां अब आपने मीडियन क्लास कौन सी है, क्लास एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये आठ क्लासेस बनी हुई है। पहला काम है लोकेशन ढूंढना, मीडियन किस क्लास में आएगा, तो हम अपने फोकस सारा उस क्लास पे कर लेंगे। पहले तो जरा ढूंढते हैं ना कि मीडियन किस क्लास में आएगा, तो मीडियन क्लास ढूंढने का क्या वे है, आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करें, ये आपका पहला स्टेप है। मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये है फार्मूला। कहता क्लास विच कंटेन्स एन बाय टू एन प्लस वन, नहीं ये गलती नहीं करनी, वो अनग्रुप के लिए था। ग्रुप के लिए ढूंढना हो, वैल्यू नहीं ढूंढनी, क्लास ढूंढनी हो, तो आप क्या करेंगे, एन बाय टू। अब एन क्या चीज होती है, एन होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, ये शायद पहले भी बताया था कि इन सबको ऐड कर लें तो ये 75 बनते हैं। चार वर्कर्स का डेटा इधर है, छह वर्कर्स इस क्लास में है, 14 इस क्लास में है, तो टोटल 75 है, कहता 37.5 ऑब्जर्वेशन। उसी तरह की जिस तरह से समुद्र करते थे कि जी 20.4 ऑब्जर्वेशन आ गई या 10.5 ऑब्जर्वेशन आ गई, कहता है जिस क्लास में ये वाला वर्कर होगा 37.5 वर्कर, कहता है जो उसी क्लास में मीडियन नहीं होगा। ये कैसे ढूंढना है, तरीका इसका कार्य है, अगर मैं वर्कर्स को नंबर लगा दूं तो कह देगा फर्स्ट वर्कर, सेकंड वर्कर, थर्ड वर्कर और फोर्थ वर्कर, चार पूरे हो गए इसी क्लास में। पहला वर्कर जिसकी इनकम सबसे कम, अरेंज किया होगा ना डेटा, दूसरा वर्कर उससे ज्यादा इनकम वाला, तीसरा उससे ज्यादा वाला और चौथा वर्कर उससे ज्यादा वाला, ये चारों वर्कर जो है ये पहले ग्रुप में आ रहे हैं। अब इसके बाद अगले छह वर्कर्स, इसके बाद अगले छह वो दूसरे ग्रुप में उनका डेटा है। अब चार वर्कर्स तो हो गए, इसका मतलब है पांचवा वर्कर, छठा वर्कर, सातवा, आठवा, नौवा और दसवां, एक दो तीन चार पांच छह, ये फिर अगले ग्रुप में होंगे। वर्कर नंबर फाइव, वर्कर नंबर सिक्स, वर्कर नंबर सेवन, एट, नाइन और टेन, छह पूरे हो गए, ये अगले ग्रुप में है। हमने इस वर्कर तक पहुंचना है तो फिर अगले ग्रुप में मूव करना पड़ेगा। वर्कर नंबर इलेवन, ट्वेल्व, 14 वर्कर है, मुझे 24 तक जाना है, अभी नहीं आया ये वर्कर, अगली क्लास में जाना पड़ेगा। 25 जो 24, 26वां वर्कर, 46वां वर्कर, 22 वर्कर पूरे हो जाएंगे, आप कहेंगे इस क्लास में आ गया, आएगा ना, 37.5 इसी में आएगा, बस इस यही मीडियम क्लास, यही मीडियम क्लास। लेकिन इस तरह से इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इसका वे ये है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी आती है, मैंने कहा भी था कि अब आप वो काम करेंगे, ये एज इट इज लिख दिया, फिर ये सारे जमा किए, ये सब जमा किए, ये सब जमा किए और ये सब जमा किए, एंड सो ऑन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। अब क्या मतलब है, कहता है फोर्थ एम्प्लॉईज, आखिरी जो एम्प्लॉईज क्लास में आएगा वो फोर्थ होगा, बिल्कुल सही है, कहता है इस क्लास का आखिरी एम्प्लॉई जो होगा वो दसवां एम्प्लॉई होगा, क्योंकि पांच चार के चार तक तो यही है ना, तो फिर छह एम्प्लॉईज आने हैं, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां, तो पांच से स्टार्ट ले गए और दसवें तक आ जाएगा। आपने कहा नहीं इस क्लास में भी नहीं, इस क्लास का जो आखिरी इंप्लॉई है वो 24वां होगा, ठीक है, स्टार्ट कहां से लेगा, इसके बाद 10 के बाद, 10वें तक तो यहाँ है, इसका मतलब है इस क्लास का स्टार्ट होगा 11वां वर्कर, 12वां वर्कर, 13वां वर्कर और 24वां। कहता जी इस क्लास का आखिरी वर्कर 46वां वर्कर है, मैं कहूंगा बस आ गया, कब से कहां से लेके 46 तक, इसके बाद तो 25 से लेके 25वें वर्कर 26वां, 27वां, 28वां, 29, 30 आ जाएगा 40 तक। यानी कि आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखता जाना है, अभी 37 नहीं आया, अभी 37 नहीं आया, आ गया बस रुक गया,
ये क्लास का साइकिल, मीडियन इस क्लास में आएगा, दिस इज द मीडियन क्लास. सो द क्लास कंटेनिंग मीडियन इज दिस वन, कहते क्लास में है मीडियन तो एक सिंगल वैल्यू होती है, इस क्लास में तो ज्यादा है, कहते जब सिर्फ क्लास में है बिग पिक्चर हमने पकड़ी है, आठ क्लासेस में से क्लास ढूंढ ली है, इसमें आ गए. अब इसमें से हमने कौन सी ऐसी सिंगल वैल्यू है जो एस मीडियन होगी, हम मीडियन का फॉर्मूला कहता कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द मीडियन क्लास, क्लास ढूंढ ली है, अब आपने इसमें से मीडियन को ये फॉर्मूला लगेगा. मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है L, H और F, ये तीन चीजें नजर आ रही हैं, L नजर आ रहा है, H नजर आ रहा है, F नजर आ रहा है, N by 2 मुझे पता क्या है, ये 37 और ये 5, और C एक रह गया, वो हम बता दें क्या है. L, H, F कहता क्या है, where L is the lower boundary, H is the class interval and F is the frequency. मैंने observation use की है, भाई किस क्लास की, median class, median class की, इसीलिए तो median class हमने find की थी कि हमने मीडियन क्लास की सारी जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली यहां से ढूंढ ली. अब रह गया सी, जिसकी बड़ी केयर करनी है. सी स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपने कहना जी मीडियन क्लास की 40, नहीं क्या लिखा हुआ, सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर द मीडियन क्लास. वो याद था वैल्यू बिफोर और आफ्टर वाली बात करते थे ना हम, ये बस कुछ उसी तरह की बात हो रही है. कहता है सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट नॉट द मीडियन क्लास, बिफोर द मीडियन क्लास, इससे पहले वाली क्लास ये वाली थी, इससे पहले वाली क्लास जो थी वो आपके पास ये आ रही थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे सीट है. बाकी सारी कैलकुलेशन आपने मीडियन क्लास से लेनी है, लेकिन सी जो आपने लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बिफोर द मीडियन क्लास पिक करना है. चैलेंज एल इज द लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, आपने कहा ना यहां 65 लिखा हुआ, मैंने लफ्ज क्या बोला है बाउंड्री, तो आपको बाउंड्री बनानी है, सारी बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे टाइम वेस्ट करोगे, उस क्लास को पकड़े उससे पिछली क्लास का गैप नोट करें, हाफ करें, क्योंकि ये लोड लिमिट अब माइनस कर दे मीडियन क्लास की लोड बाउंड्री आ गई 64.5. एच इज द इंटरवल, किसका, मीडियन क्लास का, ये मीडियन क्लास है, इसका इंटरवल 20 आ गया. एफ इज द फ्रीक्वेंसी, इसकी मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की. एन बाय टू टी एच ने लिखा हुआ 37.5 होगी सारी, और 24 क्या है, इससे पिछली वाली क्लास है 76.77. डेटा सेट चुके 100 ऑफ रुपीस है, तो मैं अगर इसको कहूं 76.7700 तो 100 से ज़्यादा देने कहता जी इस फर्म के आधे एम्प्लॉय 7,670 रुपए से कम कमाते हैं और आधे वर्कर 7,670 रुपए से ज्यादा कमाते हैं. एग्जैक्टली सेंटर, दिस इज द मीडियन वैल्यू. इंटरप्रिटेशन में आपको नहीं, बस उसने कहा जी मीडियन फाइंड कर दें, आपने फाइंड कर दिया 76.77. क्या किया, पहले आपने लोकेशन फाइंड की इस मेथड से, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से. ये कैसे ढूंढना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, रीजन मैंने बता दी, वो चार एम्प्लॉई फिर चार से अगले छह फिर उसकी बजाय बस आप ढूंढते जाए क्यूमुलेटिव से पहचते जाए. अभी नहीं आया 10 आया 24वां वर्कर आ गया 40वां आ गया, आपने कहा इसके बाद 24 के बाद इसके बारी आ चुकी है क्लास. जब ये डिसाइड हो जाए फिर उसके ऊपर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है और इस फार्मूले से आपने वैल्यू जो डिटरमिन कर देना. अब आपने ग्रुप डेटा क्वार्टाइल्स का खुद करना है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहा है. क्यू की वजह से 4 और 3 की वजह से ये 56.25 इधर से चलना स्टार्ट होना है. 46 आया नहीं आगे जाना पड़ेगा, 60 आ गया तो इस क्लास में
ये मीडियन जो है क्वार्टाइल जो है Q3 इस क्लास में वो लाई करेगा। अब इस क्लास की वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, फिर वही फार्मूला, फर्क सिर्फ असल यहां पर आएगा और इसकी भी सिमेट्री है। कहता जी जिससे क्लास डिसाइड करनी हो ना वही यहां रख लिया करें, बाकी देखें सब कुछ वही चल रहा है। लोअर बाउंड्री ऑफ दिस क्लास, फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, क्यूमुलेट, बाकी सब अब इस क्लास को टारगेट करके आप सारा काम करना है जी। तो ये आपने खुद करने हैं और आपसे अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा भी कर सकता हूं। अब डिसाइल के लिए भी उसी तरह का ही मैसेज होगा। डिसाइल के लिए फर्ज करें मैं D7 की क्लास आपको कहूँ, आप कहेंगे जी ये ले इधर ऐड कर लें, ठीक है ना। एक दफा क्लास डिसाइड कर लें, अगली दफा उस क्लास पे वो फार्मूला अप्लाई करें और देन उसकी वैल्यू डिटरमिन कर लें। अब आपने ये जो D3 मैंने लिखा हुआ ये करना है और एक ऐसे जरा D7 भी कर लें, चलें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मुझे भी क्लियर हो जाएगा। आपने ये जो डेटा लिखा हुआ है दैट इज ऑन स्लाइड 31, मैंने कहा स्लाइड्स आपके पास होंगी और 31 स्लाइड का जो डेटा है इसके लिए आपने अपनी प्रैक्टिस के तौर पे मुझे D7 कैलकुलेट। तो ये फिर आपके साथ हम शेयर करेंगे, अगर आपका आंसर ठीक हो गया तो ठीक, वरना फिर मैं आपको सॉल्व कर, ठीक है जी। चले अब हम अपनी मैथ्स की क्लास में शिफ्ट करते हैं। जी सर, वो कल के लेक्चर से क्वेश्चन थे। जी बोलिएगा सर। वो कल जो से हार्मोनिक मीन हमने कैलकुलेट किया था जी सर, उसमें एग्जांपल नोट्स में लिखी है 27 एग्जांपल। अच्छा सर, उसमें 3-4 रेटिंग्स हैं, 6 ऑरेंजेस पर 20 रुपीज, 4 ऑरेंजेस पर 20 रुपीज। आप और जी मेरी एक मिनट बात सुनेंगे। ये जो आपको हमने मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, ये जब टॉपिक हमारा खत्म होगा, अभी इसके साथ एक और टॉपिक भी है मेजर ऑफ वेरिएशन का, तो ये हमारा फिर बेसिक स्टैटिस्टिक्स का एक पोर्शन कंप्लीट होगा। फिर मैं आपको बोलूंगा, एक पूरा डे दूंगा कि उस दिन सिर्फ हमारी डिस्कशन क्लास होगी और हम कोई उस पर नेक्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ेंगे। उसमें आप मुझसे अगर आपके पास अब निशान लगा लो ना इसके ऊपर, उस दिन फिर सबको पता होगा जी मुझे आज अपनी उस एक्सरसाइज, एक तो था लेक्चर्स के दौरान थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, वो आप मुझे फौरन पूछे मैं बताता हूँ। एक होगा कि जी आज हमारी एक्सरसाइज क्लास है और उस एक्सरसाइज क्लास में हम जो मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है बीच में लगी हुई वो वाली, और जो आपको मैंने एग्जांपल्स, आप उसको तो मार्क कर लो, निशान लगा लो, फिर मैं भी बोर्ड पर वो अपने नोट्स ले आऊंगा और फिर आप मुझे कहोगे तो मैं वो सामने कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग द लेक्चर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें, अदरवाइज ये आपकी एक्सरसाइज क्लास जब मैं बोलूंगा वो। अच्छा, एक और काम है वो मैं तो ये सबको बोल दूंगा, कुछ MCQs है, प्रैक्टिस MCQs, लाहौर का एक टीचर है दाऊद शाह, उसने कंपाइल किए और उसने कहां से कंपाइल किए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। पाकिस्तानी एक काम में बड़े माहिर हैं और वो है चोरी, चीटिंग। ICAP जो पेपर देता है ना MCQ, आप खुद अंदाजा लगाओ हर बच्चे को उसने 70 MCQs देने हैं और एक वक्त में अगर पूरे पाकिस्तान में बहुत बच्चा अपीयर होता है, अगर 5,000 बच्चा अपीयर हो उसको 70 से ज़रा दे, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट के क्वेश्चन है और वो साल में 4 अटेम्प्ट करता है, तो ICAP अपने क्वेश्चन नहीं बदलता। उसने एक क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, जैसे बैंक में पैसे होते हैं तो उसके बैंक में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बच्चा बैठता PC पे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं वो और बैंक से 70 क्वेश्चन निकालो और इस बच्चे को दे दो। बहुत सारे क्वेश्चन लीक हैं ICAP के, बच्चे जाते हैं कागज पे लिख लिया, जैसे आजकल तो वो प्रॉक्टर एग्जाम हो रहा है ना घर में, वो पता नहीं कहाँ कैमरे लगाए हुए थे बच्चों ने कमरे में, वो सारी तस्वीरें कैप्चर कर, वो जो लाहौर का टीचर है
वो फिर उसको ना अपनी बुक की पॉपुलैरिटी के लिए वो उस बुक में रख देता है। बिल्कुल सही है, वो आप वही है, इसलिए कि बच्चों ने मुझे आके भी बताए जुबानी कि सर ये फला 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 क्वेश्चन आया। मैंने कहा यार ये तो वो दाऊद शाह की जो किताब है उसमें लिखा हुआ, उसमें तब मुझे इस चीज का आइडिया हुआ कि ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे उसे लाते देते हैं, लाहौर का कोई टीचर है ना अच्छे कॉलेज का है, और वो फिर अपनी किताब में लिख देता है। वो हमारे पास अवेलेबल है, हर साल वो बदलता है, तो जूम साहब के पास अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में दे देंगे। अब आप दो काम करेंगे, साथ साथ जो भी मैं आपको टीच कर रहा हूँ आपको आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज वहां पर मिलेगी जो मेरे नोट्स हैं, एक तो आपने वो किए जाना है और जो नहीं होगा उनके ऊपर निशान लगाइएगा, एक चीज। और दूसरा दाऊद शाह की किताब है उसके एमसीक्यूज भी आपने किए जाए, हो सकता है कुछ एमसीक्यूज आपसे अभी ना हो रहे हो, इतने भी आपने पढ़े ही ना हो, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं अनाउंस करूंगा बताएगा, तो फिर आप मुझसे मेरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन उस दाऊद शाह की बुक के क्वेश्चन मुझसे करेंगे, और जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी फिर मैं समझूंगा कि अब आप इस टॉपिक में पूरी तरह जो है वो आपकी तैयारी हो गई है, फिर कॉलेज आपका एक टेस्ट भी करेगा ऑनलाइन, पहले तो ऑनलाइन ही होता था। तो इसलिए मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि अगर आपके दिल में हो कि नोट्सों से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आप उसको अपना फॉर द टाइम बीइंग सेव रखें, और बुक भी मैं आपको वो शेयर करवा देता हूँ, तो जो जो होगी आप निशान लगाते जाएंगे। मैं भी बुक स्क्रीन पे ले आऊंगा ना, दाऊद शाह की बुक, आप मुझे कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, तो मैं स्क्रीन पर उसे लेता आऊंगा और फिर हम उसको वन बाय वन करते जो है जो जो भी आपको प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व करते, ठीक है ना। तो एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन, और दाऊद शाह जो मैं आपको एमसीक्यू उसके मैं 1200-1400 क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, और फिर बकायदा टाइम बताया जाएगा। मैं आपको बोलूंगा कि जी मेरे अब टॉपिक खत्म है, यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म है, मैं 2 दिन का या गैप का, लेकिन आपने कोशिश करनी है साथ साथ करने की, तो बहरहाल आपको हाल भी 2 या 3 दिन का गैप मिलेगा, और उसके बाद मैं आपको कह दूंगा, लाइक जैसे थर्सडे जुमेरात को खत्म हो तो मैं कहूंगा ठीक है जी जुमा हफ्ता और इतवार ये 3 दिन बनते हैं, इस दिन अपनी जो भी एक्सरसाइजेस आप कंप्लीट कर लें, और मंडे को हमारी जो होगी वो डिस्कशन क्लास होगी, तो उसमें फिर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ जी ठीक है और सर ये ज्योमेट्रिक जी रेट ऑफ रिटर्न, ये ज्योमेट्रिक मीन ही है? जी ज्योमेट्रिक रेट ऑफ रिटर्न, मैंने कहा था रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो आपको वहां 6% प्रॉफिट मिलता है, इसे रेट ऑफ रिटर्न का नाम है। अच्छा मेरे नोट्सों में एक दो फार्मूले मैंने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, वो अभी नहीं हमने डिस्कस करने, वो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, आपने फोकस करना है जी कि हमने स्लाइड्स पर एक्चुअली क्या पढ़ा हुआ है, वो आपने ज्यादा फोकस। थैंक यू सर। जी तो अब चार था यस नहीं, सर, दो तीन जैसे आप स्क्रीन में नहीं शो हो रही हैं दो तीन। ही होंगी ना, दो ही होंगी एट ए टाइम, तो दो ही होंगी, तो सिंपली बेटा आप उनको देख लो किस नंबर पर वो डिवाइड होती है, जिस नंबर पर डिवाइड हो जाए तो उनको डिवाइड कर दो। वो तो मैंने एक वे बताया था कि जी दो है तो तीन नहीं है, जो चीज पॉसिबल होगी कैलकुलेटर पे वो बता रहा हूं, और जो नहीं होगी तो वो जाहिर ऑब्वियसली वो नहीं, मैं आपसे डिस्कस ओके सर। कर। अच्छा तो कल हमने रेशो क्या था, कंपैरिजन, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दो दो तीन तीन पार्टनर, उनकी इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा होती है, टाइम कम ज्यादा होती है, और जब शेयर डिवीजन की बात आती है तो रफड़ पड़ जाता है, कोई कहते हैं जी मेरे पैसे ज्यादा थे मैंने ज्यादा शेयर लेना, कह वो ठीक रहा है लेकिन शायद किसी को नहीं पता चल रहा कि उसको कितना ज्यादा दें, उसकी कभी रेशो उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, फिर टाइम भी कम कभी ज्यादा होता है, हो सकता कोई शख्स आया तो सबसे बाद में हो लेकिन पैसे कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा लगाए हो, वो अपना शेयर डिमांड करेगा। तो इस तरह से हम फिर रेशो का पढ़ते हैं, और ये एक छोटी अच्छा एक आप देखोगे ना किताबों में या दूसरे बाहर आपको शायद इसी के कोई बेशुमार क्वेश्चन मिले, आपने कहा सर ने तो एक क्वेश्चन किया और बस खत्म, हमने तो मैट्रिक में भी है शायद इस तरह के, तो आपने फिक्र नहीं करनी, वो फिक्र मेरी है कि मैंने आपको कहाँ तक बताना है,
आपको मैं रेशो की बताता जाऊं और पूरा मैथ का पूरा टाइम उधर लगा दूं तो इसमें से एक नंबर का भी नहीं आना शायद, तो उसका क्या फायदा? आपका जी एक नंबर का नहीं आना, आपने हमें कह भी दिया है, और फिर ये आगे कॉन्सेप्ट सारा ये चलना है। हाँ ये कह रहा हूँ कि शायद डायरेक्ट एक नंबर का रेशो का ना आए, लेकिन ये हर जगह जाके यूज होनी है, तो इसलिए बस उतना की मैंने हर जगह पर आपसे जोर लगवाना है जितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, कल हमने एक चीज पढ़ी प्रोपोर्शन, कहता रेशो इज अ वन थिंग कंपेयर टू द अनदर थिंग, बिल्कुल ठीक है, इट इज जस्ट द स्टेटमेंट आर एन एक्सप्रेशन। कहता प्रोपोर्शन क्या है? अ प्रोपोर्शन इज टू रेशोज, दो रेशोज हैं दैट हैव बीन सेट इक्वल टू ईच अदर, दो रेशो जो कि आपस में इक्वल है। अब प्रॉब्लम तो हम बाकी आपका देखते हैं। एक स्टूडेंट था जब मैं ये, अब चूंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर है, जब मैं एग्रीकल्चर वालों को ये मैथ्स करा रहा था, एक उसमें शोर मचाई जाए सर हमारे किस काम का, हमारे किस काम का। मैंने फिर उसको एक टारगेट दिया, मैंने कहा बच्चे ठीक है आप नहीं पढ़ना चाहते, मैं आपको पास कर दूंगा, वेरी गुड। मैं कह लेकिन एक काम करना मेरा, कैसे क्यों आप सर, हमारा जो ग्राउंड है ना डी ग्राउंड, हमारा जो डी ग्राउंड है यानी कि यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड है उसको भी हम डी ग्राउंड बोलते हैं जो कि डी शेप में है, उसमें ना बड़ी बड़ी खजूरें लगी हुई हैं काफी ऊंची, मेरे ख्याल को 40-40 फिट की लगी हुई है। मैंने उस बच्चे को ये कहा, मैंने कहा तुम ये करोगे कि ये जो वो डी ग्राउंड में खजूर लगी हुई ना वो काफी लगी हुई, मैंने कहा तुमने एक खजूर की ना मुझे एग्जैक्ट हाइट मेजर करके देनी, एग्जैक्ट हाइट, अगर तुम मुझे हाइट मेजर करके दे दोगे एग्जैक्ट तो मैं आपको मैथ ये पढ़ाना छोड़ दूंगा, आप तो पास कर दूंगा। कहता जी हाइट का, खजूर की हाइट मेजर करने का मैथ से क्या ताल्लुक है? कहता जी वो तो सब चढ़ा ही नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल लंबी ऊंची होती है और तो उस पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता, तो मैं जाके कैसे ऊपर से उसकी लंबाई नाप के आऊं। मैंने कहा फिर मैथ पढ़ लो, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। कहता जी खजूर की लंबाई सिखा देगा मुझे मैथ? मैं कहा जी और क्या? कहता अच्छा पढ़ लेते हैं सर, अगर ना हुआ तो, मैं कहा ठीक है ना हुआ तो छोड़ देना। मैंने उसको कैसे समझाया, कैसे मैं फैक्ट कह रहा हूँ, फर्ज करें आप उसी खजूर की लंबाई मेजर करना चाहते हैं, उसके ऊपर चढ़े बगैर बाहर चढ़ तो सकते नहीं है, तो कैसे? आप एक स्टिक ले लें, छड़ी या कोई भी चीज, चलें स्टिक ले लें, किसी भी हाइट की हो, 6 फुट की हो, 4 फिट, 3-2, किसी भी हाइट की हो, ना हो तो कोई बात नहीं, आप ही है, आपकी हाइट आपको तो पता ही होगी ना, यानी कि बस जो चीज आपने लेनी है ना उसकी हाइट आपको मेजर होनी चाहिए। फर्ज करें ये हमारे बड़ी ऊंची जो है ये खजूर का ऐसे करके दरख्त बांह पर जो है वो लगा हुआ है, ये आप क्या करें, स्टिक उसके साथ खड़ी कर दें, आपको पता है ये स्टिक जो है वो 6 फिट की है, मैं ये कर लेना मैंने ऐसे लिखा। अब ये जो स्टिक है इसका जो शेडो होगा साया, पता ना जमीन पे ही होगा कहीं ग्राउंड में पड़ रहा होगा ना, और एक स्टेज ऐसी आती है जहां किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो नहीं होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता शेडो बनता है जब सूरज निकलना स्टार्ट होता है, शेडो बढ़ते बढ़ते इतनी हाइट में लेंथ में आ जाता है कि जितनी हाइट होती है उसे आधा होता है, फिर उतना हो जाता है जितना ऑब्जेक्ट होता है, और जब ढलने की तरफ सनसेट की तरफ जाते हैं तो आपको होता है रात को साए लंबे लंबे, होता तो 4 फुट का आदमी है, साया उसका 10 फुट का बना हुआ होता है, ऐसे ही है ना, साया ग्राउंड पर होगा उस वक्त। मैं नहीं कह रहा कि किस टाइम, जिस मर्जी टाइम, मैं कह रहा हूं कि उस खजूर की एक्चुअल हाइट जो, सॉरी उस स्टिक की एक्चुअल हाइट थी 6 फिट, ये आपको पता थी, आपने जाके उसका शेडो जो कि ग्राउंड पर आ रहा था वो मेजर किया, वो उस वक्त 3 फिट का था, ठीक है जी, खजूर की हाइट थी 6, स्टिक की हाइट थी 6 फिट और उस वक्त बाय चांस शेडो आपने मेजर किया जो भी था आप लिख लेते तो 3 फिट, आपने कहना ये 3 फिट है, ठीक हो गया, ये जो खजूर है इसका शेडो भी जमीन पर ही होगा, तो जमीन पर तो शेडो मेजर किया जा सकता है, तो जमीन पर आपने उसका जब शेडो मेजर किया वो 15 फिट का था, खजूर फिर 30 फिट की होगी, चूंकि शेडो अपनी एक्चुअल हाइट से आधा है तो जो 15 फुट का शेडो मिल रहा है इसका मतलब 30 फिट की खजूर है वो। मैंने क्या किया,
मैंने आपस का कंपैरिजन कर दिया, आपस का कंपैरिजन कर दिया रेशो की मदद से, फिर इनको बराबर रख दिया, इधर x रख देना, x अभी सॉल्व करा देता हूं, इधर x कर दिया, यही मालूम करना था ना, इसका हाइट मालूम थी, ये जमीन से मेयर कर लिया, ये जमीन से मेयर कर लिया, एक्चुअल हाइट ऑफ द जो खजूर का दरख्त है वो मालूम करना था x करके, अभी सॉल्व करवा देता हूँ, इस मैथड से मैंने सॉल्व कर दिया। तो मैथ ने उसको, और मैंने कहा अगर खजूरों की लंबाइयां मेजर करनी है तो मैथ पढ़ लो, तो बैठ गया, गरीब था हरा गांव का था, अच्छा सर जी पढ़ लेने, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि मैथ पर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें, जैसा ना पिछला रेशो का था, आपको वाकई एडवांटेज नजर आया कि वाकई अगर हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो तो रौला ही पड़ा रहता है, मुकदमे चलते रहते हैं। तो रेशो क्या चीज है, सॉरी प्रपोर्शन क्या चीज है, इस टू रेशोस, रेशो में पता क्या है, जिनको हम इक्वल सेट कर देते हैं। ओके, आपको पता है रेशो लिखने का एक स्टाइल, एक ए रेशो बी ये एक रेशो है, सी रेशो डी ये अदर रेशो है, सेट इक्वल। अगर तो हम ऑड्स ऑड्स नोटेशन में लिखेंगे, एक रेशो ये वाली है, एक रेशो ये वाली है, चार डॉट लगा दे, इसे प्रपोर्शन कॉल करते हैं। ऑड्स नोटेशन में प्रपोर्शन लिखने का स्टाइल। अच्छा, एक मैंने आपको फ्रैक्शनल नोटेशन भी लिखाई थी, ये है फ्रैक्शनल, तो फिर इसके लिए हम इक्वल लिखते हैं, सेट इक्वल। ये तो प्रपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कहा जाता है कि दो रेशोस आपस में इक्वल कर दी जाएं, उस स्टेटमेंट को हम प्रपोर्शन कॉल करते हैं। अच्छा, ये जो होते हैं ना रेशो के ये वाले एंड्स, इन्हें हम इस रेशो के एक्सट्रीम्स बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। और ये जो इनसाइड होती हैं ये वाली, इन्हें हम मीन्स कहते हैं, मीन्स। और एक बड़ा ही फार्मूला आप यूज करते हो, आप पढ़ते हो, करते हो, लेकिन कभी पता नहीं आपको, फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम कौन कौन है, ए और डी है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, मीन्स कौन कौन से हैं, डी और सी है। ठीक, आप कह सर हमने तो कभी नहीं पढ़ा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मैं अगर आपको कहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिसे उर्दू में जरबे चिरे पाई बोलते हैं, हाँ क्या लिखा, हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो अक्सर ही करते रहते हैं, ये काम करते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए एंड डी जो बाहर वाले एंड वाले हैं, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, वेयर बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। एक रिजल्ट है क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे तो यही पता है, इस नहीं हमारी मदद करनी है। प्रपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच सेज टू रेशोज आर इक्वल, उस रेशो के दो एंड वाले एक्सट्रीम, अंदर वाले मींस, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस। मैं जरा एक क्वेश्चन करता हूं, अगर नहीं समझ आएगी आपको तो फिर आपने मुझसे दोबारा पूछना, मैं एक दफा सॉल्व कर। एग्जाम्पल नंबर 11, ये आपके नोट्सों का नंबर मैंने लगाया हुआ है। इफ अली कैन टाइप एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, उसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो एक मिनट में 35 वर्ड जो है वो टाइप कर लेता है, इतनी उसकी जो है वो स्पीड है। हाउ लॉन्ग इट टेक हिम टू टाइप 987 वर्ड्स, कहते हैं इसी हिसाब से अगर वो टाइपिंग करता रहे तो 987 वर्ड्स टाइप करने में उसे कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन देखा, अगर एक मिनट में वो 35 वर्ड की टाइपिंग कर लेता है, 987 वर्ड टाइप करने के लिए उसे कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। अब करना कैसे है वो मैं जरा तो बाद में करता हूं, आप सिंपली ये समझें, अगर मैं आपको कहूं 35 वर्ड एक मिनट में टाइप होते हैं, आप क्या करो, अगर मैं वर्ड्स को दुगना कर दूं, टू टाइम्स कर दूं, तो आप टाइम को भी टू टाइम्स कर दें, 70 हो गए तो 2 मिनट करते हैं आप।
अगर 70 को दुगना करके 140 कर दें तो आप 2 को भी दुगना करके 4 कर दें। बस आपने ये देखना है कि ये जो काम बढ़ा है ये वाला, ये कितने टाइम्स बढ़ा है। 35 से काम चला गया 987, आप इनका कंपैरिजन करते हैं, रेशियो से करते हैं ना कि हाउ मच टाइम वन थिंग इज बिगर देन अदर। आपको मालूम करना है हाउ मेनी टाइम्स ही हैज टू टाइप मोर वर्ड्स, कितने गुना उसे ज्यादा वर्ड टाइप करने हैं। जितने गुना उसे वर्ड ज्यादा टाइम करने हैं, आपने टाइम को उतने गुना बढ़ा देना, बस आंसर दे देना आपको। ये है लॉजिक बिहाइंड दैट। क्या करें आप नोट कर, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग्स। वर्ड्स आप देखना जी, वर्ड ज्यादा हो गए, कितने टाइम ज्यादा हो गए, 5 गुना, टाइम भी 5 गुना कर दें, बस हल हो गया आपका मसला। अब इसको प्रॉपर वे, यही बात लिखनी कैसे है। आपके पास दो चीजों का जिक्र हो रहा, वर्ड्स और टाइम है। टाइम मिसिंग है, टाइम मालूम करना है, आप पहले टाइम लिख लें बाद में वर्ड्स। अब डेटा प्लेस कर दें, 1 मिनट 35 वर्ड, 1 मिनट 35 वर्ड, टाइम मालूम करना है एक्स मिनट, वर्ड्स दिए गए हैं 987, ठीक, ये आपने लिख लेना है। टाइम मालूम करना है, वर्ड्स गिवन है, जो मालूम करना जरा साइड पर करके लिख लें, वर्ड्स लिख लें। अब आपको रेशो मालूम पता है, और रेशो तो होती है सिमिलर थिंग्स की, इसकी रेशो तो कर सकता हूं क्योंकि दोनों वर्ड्स हैं, तो फिर इसकी भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों टाइम है। क्या करें, जब मैं, आप एक्स रेशो 1 लिख लें, करना क्या है, मैंने सिर्फ ये देखना है कि जितना इसकी इसके साथ रेशो बनती है उतनी रेशो इसके साथ बना दें, इक्वल बननी चाहिए। अगर वो 5 गुना वर्ड्स बढ़े हैं, आपने टाइम भी 5 गुना ही बढ़ाना है, आप क्या करेंगे, इसकी रेशो लिखते हैं। एक रेशो तो आपने लिख ली, एक्स पहले लिख दें, 1 बाद में लिख दें, प्रपोर्शन। कहता जी ये रेशो उतनी होनी चाहिए जितनी इनकी आपस की रेशो है, उतनी ही होनी चाहिए। काम आसान हो गया, अगर वर्ड्स 5 गुना बड़े हैं तो टाइम भी 5 गुना, अगर वर्ड्स 10 गुना बड़े हैं तो टाइम भी 10 गुना, 101। इस चीज की केयर करनी है, डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है, बस इसी की केयर करनी है। तो जरा गौर से सुनना है आपने कि डायरेक्ट प्रपोर्शन एक्चुअली है क्या। आपने अब कहना है दो चीजें, वर्ड्स और टाइम। अगर वर्ड्स ज्यादा टाइप करने हो तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, वर्ड्स उसे ज्यादा, ये इंक्रीज का होता ना, बढ़ने की निशानी होती है। वर्ड ज्यादा टाइप करने हैं तो टाइम ज्यादा ही लगेगा ना, ये तो नहीं कि उसे ज्यादा काम करना तो कम वक्त में उसका काम खत्म हो जाएगा। ज्यादा अगर उसे वर्ड टाइप करने तो ज्यादा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट, इफ वन इंक्रीजेस अदर विल आल्सो इंक्रीज। आप कहें जी इनवर्स की क्या एग्जांपल होगी, आगे जाके कर लेते हैं। किसी घर में 3 शख्स रहते हैं, उन्होंने कहा यार एक हफ्ते के लिए ना हमने अपना खाना रिजर्व करके रखा हुआ है, हम 7 दिन ये खाना खा सकते हैं, आटा लगे दें, चीनी कह दें, मेहमान आ गए 12, तो पर्सन 3 से बढ़ के 12 पे चले गए। पहले खाना उनका खत्म होता था 7 दिन में, अब दिन कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, दिन कम जल्दी खत्म हो गया ना, मेंबर बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए, पहले 7 दिन के लिए काफी था, मे भी 2 दिन या 3 दिन के लिए काफी। ये कहलाती है इनवर्स। आपने क्या करना है, जो डेटा आपने लिख लिया है, अब आपने देखना है कि ये बढ़ेंगे तो क्या ये भी बढ़ेगा, जी ये दोनों बढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या करना है, आपने एक्स पहले लिखा हुआ है, एक्स का डेटा है 987, वो भी आपने पहले ही लिखना है, 1 आपने बाद में लिखा है और 1 का डेटा 35 वो बाद में लिखना है। बस इस तरतीब को कभी वैसे लिखना पड़ेगा, कभी हमें बदलना होगा। ये मैंने लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये मीन्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है,
987 को 35 पे डिवाइड करते हैं, 28.2 मिनट में, यानी कि चंद सेकंड में वो उसके बर्ड टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, 987 बर्ड टाइप हो जाएंगे उससे। अगर उसकी स्पीड है 1 मिनट में 35 वर्ड, तो 987 वर्ड्स को करने के लिए उसे 28.2 मिनट्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि जी क्या हमने एक्स पहले ही लिखना है, ये जरूरी नहीं है। आप 1:x कर दें, कोई जरूरी नहीं एक्स पहले लिखना। अब आपने चेक करना क्या डायरेक्ट है, यस ये तो पता चल गया डायरेक्ट। अब वन का डेटा क्या है, वन का डेटा है 35, वन क्या पहले लिखा तो 35 पहले लिखा, ये काम करना है। एक्स बाद में है, एक्स बाद में है, तो एक्स का डेटा क्या 987, ये बाद में 987। अब इसके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये होंगे 1987, प्रोडक्ट ऑफ मींस वही चीज आएगी, आंसर भी वही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इसकी केयर करनी है कि जी पहले है तो जिसका जो इधर पहले है उसका डेटा इधर भी पहले आएगा, तब जब डायरेक्ट प्रपोर्शन, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं फिर क्या करना है, लेकिन डायरेक्ट की बात तो समझ आए। चले करें इसको जल्दी से करें, मुझे आंसर दें। अली सॉल्व 64 क्वेश्चन एंड टेक 40 मिनट्स, एट दिस रेट हाउ मेनी क्वेश्चन ही कैन सॉल्व इफ ही हैज ओनली 15 मिनट्स। कहते 40 मिनट दें तो 64 क्वेश्चन सॉल्व करता है, अगर इसी स्पीड से काम करे 15 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जी क्या आंसर आपका बोलिएगा सर? 24 ठीक है जी, देखते हैं इसे। यस 24, 64 क्वेश्चन, 40 मिनट, क्वेश्चंस बताने हैं, मिनट 15 है। अब जरा सोचिएगा क्वेश्चन की तादाद बढ़ाए तो टाइम ज्यादा, क्वेश्चंस की तादाद कम टाइम कम, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, डायरेक्ट पहचान लिया। अब आपने डेटा लिख दिया एक्स रेशो 64, एक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा है 15, चूंकि डायरेक्ट है तो 15 पहले, और 64 का डेटा है 40 मिनट्स वाला वो बाद में। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर 40 मिनट में वो 64 क्वेश्चन कर सकता है, 15 मिनट के दौरान वो 24 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर। आपने देखा कि ये इसका इसके साथ रिलेशन है, वही रिलेशन टाइम में भी बना दें। अगर क्वेश्चन का रिलेशन है इतने गुना कम है तो टाइम को भी उतना ही रिड्यूस किया आप। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉस्पिटल हैज एनफ पिल्स ऑन हैंड टू ट्रीट, जो 10 पेशेंट हैं वो 14 डेज तक वो मेडिसिन उनके लिए काफी है, सफिशियंट, जितने भी उनको मिलनी है। 10 पेशेंट हैं, 2 हफ्ते तक वो मेडिसिन उनके लिए रिजर्व में है। कहता हाउ लॉन्ग विल द पिल्स लास्ट इफ 35 पेशेंट, मतलब डॉक्टर कहता है कि जी हमने 10 पेशेंट हमारे एडमिट हैं, मैंने मेडिसिन का इंतजाम कर दिया है, 14 दिन की मेडिसिन मैंने उनके लिए रखी है, ठीक है। वो खुदा न खास्ता किसी कोविड की वजह से यकदम पेशेंट 35 हो गए। अब कैलकुलेट MS आपको पूछ रहा है कि जी जो मैंने 10 पेशेंट की मेडिसिन रखी थी वो तो 14 दिन के लिए मैंने काफी थी, अब पेशेंट हुए हैं 35, अब तुम बताओ कि ये कितने दिन में ये मेडिसिन खत्म हो जाएगी ताकि मैं आपको नई मेडिसिन भेज दूं। अब देखना ये है कि पेशेंट हुए 10 से बढ़ के 35, बड़े ना, इस रेशो से दिन कम होने हैं, जल्दी खत्म होगी ना मेडिसिन, खाने वाले ज्यादा आ गए, 10 से गए 35 पे तो कम होगी,
जिस रेशो से बड़े हैं आपने डेज को उस रेशो से कम करना है। अगर पेशेंट 10 से 20 पे चले गए तो दिन 14 से 7 पर आ जाना, डबल बड़े हैं वो डबल कम हो जाएगा, लेकिन हमने देखना है कि 10 से 35 कितना बड़े है। डेटा मैंने डेज चुके मालूम करने थे, डे पहले लिख लिया, पेशेंट बाद में लिख लिया। एक्स रेशो 14 आंखें बंद करके लिख ले, चले खोल के लिख ले, एक्स रेशो 14 यहां पर पोर्शन, अब नहीं बंद करनी, अब आंखें जरूर खोलनी। देखना यह है कि जी अगर पेशेंट की तादाद बढ़ेगी, किसी एक को ले लिया करें जो आपके लिए ज्यादा आसान हो, पेशेंट की तादाद बढ़ेगी तो डेज की तादाद, मेडिसिन है मेडिसिन तो ना बढ़ रही, वो तो उतनी रखी हुई थी, जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी, खाने वाले जो ज्यादा आ गए तो मेडिसिन तो जल्दी खत्म हो गई। आपने कहना जी कि अगर पेशेंट बढ़ेंगे डेज कम हो गए, जल्दी खत्म हो जाएगी मेडिसिन, उलट इनवर्स। ओके, एक्स पहले आ रहा है, एक्स का डेटा 35 है, एक्स पहले है लेकिन 35 आपने बाद में, उलट कर देना, 14 का डेटा 10, 14 इधर बाद में, इधर इसका डेटा पहले, एक्स का डेटा बाद में और 14 का। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 35 इंटू एक्स और 10 इंटू 14, चार दिन में मेडिसिन खत्म हो जाए। ऑर्डर कर दें जी, अगर आपने हमें 10 पेशेंट के हिसाब से 14 दिन की मेडिसिन दी थी, पेशेंट अब आपने 35 भेज दिए हैं, तो ये चार दिन में हो जानी है, आप जल्दी से इंतजाम कर दें। इतना चीजें मैं कह रहा हूँ, सोचा जाए ना तो बड़ी सिंपल सी थी, पूछा था कि जी 10 दिनों की दवाई रखी है 14 दिन में खत्म होनी है, यकदम पेशेंट 10 से 35 पे चल, जल्दी से बताओ जी आप कितनी देर में दवाई खत्म हो जाएगी, बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, करें शाबाश। इफ 15 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 24 डेज, 15 वर्कर्स लगाते हैं, कैलकुलेशन की है, पता चला 24 दिन में काम खत्म होना, ठीक है 15 वर्कर्स लगा दिए, सीएम साहब आ गए, कहते जी कितने दिन में काम खत्म होना, कहता जी 24 दिन में हम इंशाल्लाह ये काम खत्म कर देंगे। वो कहता नहीं नहीं वर्कर बढ़ाओ, ये नहीं है इतनी देर नहीं लगनी, तुम कितने वर्कर लगा रहे हो, उसने कहा जी 15 हम लगा रहे हैं। ऐसा कहता चलो वर्कर 40 करो ना, सीएम कह देता है, कहता अब मुझे बताओ कितनी देर में खत्म होगा, इसी तक बढ़ गए। 15 वर्कर लगाते हैं, कैलकुलेशन के मुताबिक 24 दिन में काम ने खत्म होना है। वो कहता जी वर्कर्स मैं जो कह रहा हूँ तुम 40 कर दो, कह रहा है जल्दी जल्दी बताओ आप कितने दिन लगेंगे तुम्हारे काम को फिनिश करने, जी सर 9 वर्कर 9 डेज। अगर 15 वर्कर लगाते हैं तो वो 24 दिन में अपना काम पूरा कर देते हैं, लेकिन अगर वर्कर हम 40 कर दिए जाए तो काम, अब एक तो जाहिर है कि डेटा हमने तो लिखना ही लिखना है, दो इंफॉर्मेशन है, डेटा प्लेस करेंगे, लिखेंगे हम उनको, और डेटा लिखने के बाद अब देखना ये है कि ये जो डेटा सेट है ये डायरेक्ट है कि परवर्स है। अगर वर्कर बढ़ाते हो आप तो डेज किस चीज के डेज हैं, काम फिनिश करने के, वर्कर्स की तादाद बढ़ा दी जरा दोनों तक काम लगेगा फिनिश होने में, तो जल्दी नहीं खत्म हो जाएगा कम दिनों में, तो इनवर्स। मैंने लिखा एक्स का रेशो 24 के साथ, एक्स का डेटा 40 है वो बाद में लिखना है, ये देखें, और 24 का डेटा 15 है, 24 बाद में लिखें इधर 15 पहले, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 9 दिन में वर्कर, तो सीएम को कह दी कि आपने हमने तो हिसाब लगाया था 15 वर्कर का, वो 24 दिन में उन्होंने अपना काम खत्म करना था, आपने हुक्म किया था वर्कर 40 कर दो, हमने कर दिए, अब ये इसके मुताबिक बस 9 दिन में ये काम फिर आपका पूरा होता है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, ना पता हो तो मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप कहें जी इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल मामूली है, ये बात सही है, लेकिन कभी सोचें आपको करनी अगर ये पड़ जाए कि अच्छा जी 15 वर्कर तो लगाए हैं वो तो 24 दिन में जाएगा, वो हुक्म आया जी 40 दिन पर वर्कर 40 कर दो, अब डे बताओ कितने दिन लगेंगे तुम्हारे काम में, उसी पर बढ़ गए, कैसे करें जी अब काम कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक है जी। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको बता दिया। एग्जाम्पल 15 है, इफ द स्टे ऑफ 6 मैन
for 14 days in a hostel cost 3,360. अगर छह आदमी दो वीक 14 दिन के लिए किसी जगह पर जाके होटल में ठहरते हैं, कहता है उनका बिल तो बनता है 3,360 रुपए। छह आदमी है, 14 दिन है और कॉस्ट बनती है, बिल बनता है 3,360। कहता है कॉस्ट कैलकुलेट करें, आदमी दो जाए, चार छह जाने थे, दो गए हैं, कोविड की वजह से 2 हफ्ते की बजाय उनका स्टे भी कम कर दिया, दो कोविड हो गया, दो भी नहीं गए, स्टे भी हमें 14 हफ्ते था, अब बताओ कितना बिल बनेगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, अब बताओ बिल। हमारी आदत है ना, दुकानदार से रेट भी पूछ लेते हैं, मैयर होगी कितने पैसे बन गए, हम जरूर भी खुद नहीं देते, कहते हैं दुकानदार खुद ही जरूर जरूर देके बताए। छह आदमी जाने थे, 14 दिन का बिल उन्होंने बना था, सर पिछले साल ये बिल बना था, कहते जी रेट वही है, लेकिन आदमी इस साल 6 जा रहे हैं, दिन भी जरा हमने कम कर दिए, कैलकुलेट कर लें कितना बिल बने आप चाहिए। अब यहाँ पर तीन चीजें आ रही हैं, कॉस्ट आ रही है, डेज आ रहे हैं, मैन आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, और पूछा क्या है, हाउ मेनी कॉस्ट, टाइम द कॉस्ट, तो पहले लिख लिया, फिर मैन ये जिस मर्जी तकलीफ से लिख लें, मैन लिख लें, डेज लिख लें, इसका कोई नहीं है, अननोन को पहले लिखना ताकि वो रेशो सही बने। एक डेटा ये पहला दिया हुआ, 1, 2, 3 ये दिया हुआ है, वो लिख दिया मैंने 1, 2, 3। दूसरे में मेन है 4, डे है 7, कॉस्ट पूछी। ये पहले तो आपने डेटा प्लेस कर दिया, रेशो तो 2.30 की होती है, यहाँ 3 बनी हुई है, आपने 2-2 करके लेनी है। पहले कौन सी, पहले वो दो लेंगे जिसमें एक अननोन हो, ये दो देखे। हाँ चले, मैंने कोई हर्ज नहीं है, एक ये तो जरूर होनी है, एक पहले मैंने ये दे दिया, ठीक है चले ये दे देते हैं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब डे का लिखना है, अगर ये जिस चीज का जिक्र ना हो उसको समझना है, वो नहीं चेंज हो रहा, वो वही है, फर्ज कर दे आदमी 6 ही हैं, क्योंकि तो आदमी का जिक्र नहीं हो रहा है, ऐसे मैं सपोज कर रहा हूं, फर्ज कर दे आदमी 6 ही हैं, अगर वो ज्यादा दिन गुजारते हैं तो ज्यादा बिल बनेगा, बाहर है क्या, आप कह हो सकता है आदमी कम हो जाए, नहीं मैंने कह तो रहा हूं आदमी वही है, फिक्स है, 6 आदमी है, फिक्स है आदमी, आदमी नहीं चेंज हुए, देश की तादाद बड़ी है तो हॉस्टल का बिल ज्यादा, ये ज्यादा दिनों तक ठहरे तो ज्यादा बिल बनना है, क्योंकि आदमी तो फिक्स है, आपने कहा डेज और कॉस्ट का तो डायरेक्ट है, करेक्ट है, तो एक्स पहले लिखा तो 7 पहले लिख ली, ये बाद में लिखा तो सॉर्टिंग बाद में हो गया। फिर दोबारा अब एक तो यही और इस तो फर्ज, अब कह जी डेज फिक्स है, 2 हफ्तों के लिए जाना है, ओके, आदमी अगर ज्यादा चले जाए तो बिल ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, आदमी कम जाए तो कम बिल, ये हो सकता है आदमी कम गए तो दिन ज्यादा बढ़ा दें, नहीं वो फिक्स किया हुआ मैंने, इसका जिक्र नहीं, वो फिक्स है, आपने डेज को छोड़ दें, सिंपल इतना आप बताएं, आदमी अगर ज्यादा चले जाएंगे तो उस सोस्टर का बिल ज्यादा बनेगा, कम बनेगा तो ज्यादा, एक्स का डेटा 4 पहले, इसका डेटा 6 बाद में, एक्स ये सारे क्या है, ये है स्ट्रीम, एक स्ट्रीम 3 है ना, और 1, 2, 3 इनसाइड वाले क्या है, मींस फार्मूला फिर वही है, यहाँ एक्स का आंसर आ 1,120 रुपए बिल बनेगा जी, 6 की बजाय 4 जाए, 14 की बजाय 7 दिन जाए, 3,360 की बजाय 1,120 रुपए उनका बिल बनेगा, करें जरा ये, शाबाश जल्दी से देखे कितने लोग कर सकते, If 8,000 are sufficient, ये वाला करके देना है बेटा, ऐसे नहीं किसी जगह से आंसर देख के पढ़ के मुझे बता दो, इससे क्या फायदा हुआ, आपको क्या हुआ, मुझे तो नहीं हुआ लेकिन आपको क्या हुआ, खुद थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, शाबाश जल्दी से।
जी आपका आंसर। सर ये आंसर नहीं लिया, मैं समझ नहीं आई सर मुझे इसकी 66 और ये 14 मल्टीप्लाई क्यों हुआ है। पिछले एग्जांपल की बात कर रहे हो आप? जी सर पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में देखो ये जो मैंने लिखी हुई है रेशोस, मैंने कहा था जो एंड्स पे जाती हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। एक्सट्रीम्स इसमें एक्स एक एंड शुरू में आ गया, ये एक्सट्रीम है, 14 आखिर में है, ये एक्सट्रीम है, और 6 आखिर में, ये तो तीन एक्सट्रीम है। मैंने इन तीनों को जरा दे दिया आपको क्योंकि ये सारे एक्सट्रीम्स है। एक ठीक है, मींस ये भी मींस ये भी मींस, मैंने इनको ठीक है तो तीन है ना, तो फार्मूला पर बड़ा यूज कर रहा हूं लेकिन तीन है। आप ऐसा कह लें कि मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, ये दो दफा नहीं लिखा, मैंने इसको दो दफा नहीं लिखा ऐसे करके, तो एक्चुअली ये एक्सट्रीम्स बनते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये मींस बनते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस। मैंने आपको वो प्रॉब्लम बताया जिसमें तीन तीन इन्वॉल्व होते ना, जिसमें तीन इन्वॉल्व। जी किसी और ने किया, मेरे ख्याल एक स्टूडेंट ने किया। जी आपका आंसर। सर 60 डेज। ठीक है अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है अब जरा मैं पढ़ता हूं। 8,000 रुपीस पैसे, 8,000 are sufficient for a family of four members for 40 days. कहता जी उनके खर्चने के लिए अगर उस फैमिली में चार मेंबर्स हो तो 40 दिन तक उनके पास पैसे हैं, फंड्स है, 8,000 रुपए आपके लिए काफी है खर्चे वगैरह के। मेंबर चार 40 दिन तक खर्च कर सकते हैं 8,000। अच्छा हाउ मेनी डेज रुपीज, कहता जी पैसे अगर उनके पास ज्यादा हो जाए 15,000 हो जाए, बढ़ गए अच्छा, लेकिन फैमिली मेंबर बढ़ गया। अब कहता कितने दिन पैसे चले, चार मेंबर हो 8,000 40 दिन में खर्च करते हैं। कहता जी अगर पैसे उनके पास 8 की बजाय 15 हो जाए लेकिन मेंबर चार से 5 पे चले जाए, अब बताना है कि आगे तो 40 दिन में खर्च होते थे उनके पैसे खत्म होते, अब कितने दिन में खत्म होंगे, पैसे जरूर बढ़े हैं लेकिन साथ मेंबर भी बढ़ा है। अच्छा जी मालूम करने हैं रुपीस के डेज, डेज किसी एंड पे लिख ले, मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा कि याद में पहले लिखना है, एंड पे लिखना है, बस पहले में लिखना है आखिर में, मैंने इस दफा डेज आखिर में कर दिया, बाकी जो जिस मर्जी तरतीब से लिख दिया डेटा पेज। अब सबसे पहले तो जब आपने डेटा प्लेस कर लिया है तो कोई दो ले लेना है आपने, कोई दो, बात हो रही है पैसों की, इन दो में पैसों का जिक्र नहीं है तो पैसे तो हो गए फिक्स। अगर मैं आपको कहूं मेंबर्स बढ़ते हैं, मेंबर्स अगर बढ़ते हैं पैसे फिक्स है खत्म, कम दिनों में होंगे ज्यादा दिनों में पैसे बढ़ गए, मेंबर्स सॉरी बढ़ गए, अगर मेंबर्स की तादाद बढ़ी है और पैसे फिक्स हैं तो फिर तो जल्दी खत्म हो गए ना, खर्च करने वाले तो ज्यादा हो गए, तो इनके दरमियान तो इनवर्स है। ये तो आपने ऐसे लिखा है, अब एक्स का डेटा 5 है इनवर्स की वजह से बाद में आएगा, इसका डेटा 4 है इनवर्स की वजह से वो पहले आएगा, ये तो हो गया इनवर्स। सेकंड बेस और रूपीस, अब मेंबर्स की तादाद फिक्स, मेंबर नहीं बढ़ रहे, अगर पैसे ज्यादा होंगे तो जल्दी खत्म होंगे ज्यादा दिनों तक जाएंगे, मेंबर वही हैं वही हैं, तो अच्छी पैसे बढ़े हैं तो फिर ज्यादा दिन तक खर्चा जाएगा डायरेक्ट। एक्स का डेटा 15,000 पहले आएगा जो कि डायरेक्ट है, और इसका डेटा बाद में आएगा जो कि इनडायरेक्ट है। एक्स 5 और 8,000 ये एक्सट्रीम्स है, 44 और 15,000 ये मीन्स है, 60 दिन में कैलकुलेशन में ये चीज खत्म हो जाए। ठीक है जी
चले आज का लेक्चर यहीं तक, और रमजान स्टार्ट हो गया, आप भी अपने रोजे खोलें, मुझे भी जरा दूर जाना है ताकि मैं भी अपने प्रॉपर टाइम पर पहुंच के अपना रोजा खोल सकूं। जी बोलिएगा बेटा, बोलिएगा बोलिएगा, आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन? जी जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, ये फर्स्ट कोटेशन आपने जो सी x रेशो 40 प्रोपोर्शन है 4 रेशो 5 सर, इसके समय ही लगे, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूं उसको। यहां पर डेटा सेट जो है हमने इंडिविजुअली पढ़ लिया है कि डायरेक्ट हो तो कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट हो अगर मैंने x 40 लिखा हुआ है, डायरेक्ट हो तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है और इधर 4 है, 5 पहले आना 4 बाद में अगर डायरेक्ट हो, लेकिन मैंने तो रूट लिखा हुआ है। x का डेटा तो 5 था, वो बाद में लिखा है, इसका मतलब इनमें क्या रिलेशन होगा? इनवर्स होगा। कैसे इनवर्स? कैसे है? अगर पैसे फिक्स हो, मेंबर्स बढ़ जाए खर्च करने वाले, पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे, ज्यादा दिनों तक चले जाए, जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मेंबर्स की तादाद अगर ज्यादा होगी तो डेज की तादाद कम हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इनवर्स। यस सर। अगर ये इनवर्स है, एक्स का डेटा 5 वो बाद में लिखना है और 40 का डेटा 4 वो पहले, क्योंकि इनवर्स है, इन दोनों में तो इनवर्स था, ये आपने मुझे खुद ही बता दिया। अब जरा बात हो जाए डेज की और रूपीज की। मेंबर फिक्स है, वो नहीं बढ़ रहा है, अगर पैसे ज्यादा आ जाए तो दिन ज्यादा दिन तक चलेंगे, तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ज्यादा दिन तक चलेंगे, ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा दिन तक चलेंगे। डायरेक्ट है तो x का डेटा 15,000 ये पहले आया और 40 का डेटा 8,000 डायरेक्ट की वजह से, क्योंकि 40 बाद में तो ये भी बाद में, x पहले तो उसका डेटा भी पहले, डायरेक्ट की वजह से। इसके बाद ये एक्सट्रीम्स है, ये वाले और ये। हाँ जी, हुआ अभी भी आपको डाउट है कुछ? हो गया सर, थैंक यू। वो बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हो रही है, तीन का जब जिक्र हो दो दो करके करना है, कॉन्सेप्ट आपने वही यूज करना, आपने तीसरा उसे फिक्स आपने कहना है कि वो स्टैंड ऑन द सेम, वो फिक्स है। जी और किसी ने अगर क्वेश्चन पूछना हो तो ओके। एक्चुअली मुझे इतनी जल्दी नहीं होती जितना ना वो मेरा जो टीए है ना, उसने कहीं दूर जाना होता है तो वो मुझे बार बार कह रहा होता है कि सर बस करें बस करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।